हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, सभी का स्वागत है मिशन 2.0 में। एंड एज यू ऑल नो कि इस मिशन के अंदर हम लोग जीएसटी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग रिवीजन अलोंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर, राइट? एंड बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप मेगा एग्जामिशन करा दीजिए, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हर बार आ रहे हैं। सो यस गाइस, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अपना लास्ट अटेम्प्ट का पेपर देखो, उससे पिछला अटेम्प्ट का पेपर देखो, तो यू विल सी कि मेगा एग्जामिशन पे 5 to 10 मार्क्स का जो पेपर है वो आता ही आता है। एंड आई बिलीव दैट ये टॉपिक हर बच्चे का काफ़ी वीक होता है, ठीक है? तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि आज हम लोग मेगा एग्जामिशन कवर करेंगे। आप सबको मालूम होगा कि मेगा एग्जामिशंस में वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जामिशंस, ठीक है? सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम उसको एक क्लास में कवर अप कर सकें। सो आई हैव डिसाइडेड कि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 मेगा एग्जामिशंस में आज आपके साथ कवर करूँगा। रेस्ट ऑफ द मेगा एग्जामिशंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन इम्पॉर्टेंट वाली मेगा एग्जामिशंस जो मुझे मालूम है कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी? नंबर टू, जो भी हम लोग मेगा एग्जामिशंस पढ़ेंगे ये फुली अमेंडेड होगा बच्चे, ठीक है जी? तो इसमें मैं हाईलाइट कर दूंगा कि कौन से पॉइंट में क्या चेंजेस आए हैं, सो दैट आपका जो ये भी दिमाग में रहता है कि अमेंडमेंट्स कवर हुई हैं या नहीं, तो वो भी आपका दिमाग से टेंशन खत्म, ठीक है सर? तो अच्छा, अब मेगा एग्जामिशन हमें पढ़नी कैसे है? सी, कई लोग क्या करते हैं, इसको एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पढ़ते हैं। बट जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनको मालूम है कि हम लोग मेगा एग्जामिशंस को कभी भी एंट्री 1, 2, 3 नहीं पढ़ते। हम लोग पर्टिकुलरली एग्जामिशन को पिक करते हैं और उसकी जितनी भी एंट्रीज आपको पूरे के पूरे मेगा एग्जामिशन में दिए हैं उनको हम एक साथ माइंड अप कर देते हैं। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड मैं आपको सारी एक साथ कराऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड एक साथ कराऊंगा, जीटीए से रिलेटेड एक साथ कराऊंगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड एक साथ कराऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी जितनी भी मेगा एग्जामिशंस को वाइंड अप करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, राइट? तो मैंने इसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया एंड आज की क्लास में आई विल ट्राई टू टच इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जितने भी मुझे लगता है कि वो जो पोर्शंस हैं आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल ट्राई टू कवर दोज टॉपिक्स इन टूडेज क्लास, राइट? ठीक है सर, तो आप लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ बिकॉज बहुत ज़्यादा है टॉपिक, तो आप मेरे साथ साथ करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़, मैं जब ये कराऊंगा तो मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी कहाँ कहाँ पे RCM लगता है वो भी मैं साथ साथ ही सिखाऊंगा आपको, बिकॉज RCM का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ सकता जब तक आपने मेगा एग्जामिशंस नहीं पढ़ी। तो जितने लोगों ने मेगा एग्जामिशन बिना पढ़े RCM करा है उन्होंने रटा होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ मेगा एग्जामिशन करोगे और साथ में करोगे RCM तो जाके आपको लॉजिकली समझ आएगा कि यस RCM किस तरह से बनाया गया था, ठीक है जी? ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले आप ऊपर एक हेडिंग डालेंगे जरा, और वो है सर्विसेज बाय सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी, ठीक है जी? तो हम जितनी भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और यूनियन टेरिटरीज की हैं उन सभी को जहाँ जहाँ पे भी दी हुई हैं उन सबको हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी? ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखिए एंट्री नंबर 6 ऑफ मेगा एग्जामिशन क्या कहती है कि कोई भी सर्विसेज जब दी जाएंगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द यूनियन टेरिटरी या बाय द लोकल अथॉरिटीज, ये एग्जम्प्ट होंगी एक्सक्लूडिंग दीज 4 सर्विसेज। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 है ना, आपको मेरे साथ प्रॉपर वे में लर्न करनी है बेटा। 4 चीजें जो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा ये आपको प्रॉपर वे में लर्न करनी है, और इसको मैं कम से कम नहीं तो 20 से 25 बार रिपीट कराऊंगा, ठीक है? लर्न करनी है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर पेपर में आ जाता है एंट्री नंबर 6 क्या कहती है, तो कहते हैं कोई भी सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर यूनियन टेरिटरी,
इन्होंने जो भी सर्विसेज दी होंगी ये मेगा एग्जम्पशन में आएंगी, लेकिन एक्सक्लूडिंग फोर सर्विसेज। अभी वो चार सर्विसेज कौन सी हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे पढ़नी है आपने सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। हाँ जी, सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ नंबर वन स्पीड पोस्ट। इसका मतलब अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्पीड पोस्ट सर्विसेज दे रहा है तो वो टैक्सेबल होती हैं, ठीक है सर। या फिर एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ये भी टैक्सेबल होती है। या फिर लाइफ इंश्योरेंस, ये भी टैक्सेबल होती है। या फिर एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज का क्या मतलब होता है, व्हेन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो एक्ट करता है समवंस एजेंट जिसके बिहाफ पर फिर वो कमीशन चार्ज करता है, ठीक है सर। मैं रिपीट करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की चार स्पेसिफाइड सर्विसेज आर टैक्सेबल। वो चार स्पेसिफाइड सर्विसेज कौन कौन सी है मेरे साथ रिपीट करना है, मैं आपको पूरा लर्न कराऊंगा ये चैप्टर। पहला कौन सा बच्चे, पहला है जो भी हम लोग स्पीड पोस्ट देंगे, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस या फिर एजेंसी सर्विसेज, ठीक है जी। ये चारों टैक्सेबल है, लेकिन आगे लॉ क्या कहता है, टू एनी पर्सन, ये चारों टैक्सेबल होंगी अगर ये किसी भी व्यक्ति को दी जा रही हो अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। इन शॉर्ट, अगर ये चार सर्विसेज सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को दी गई हैं तो ये एग्जम्प्ट रहेंगी, लेकिन इसके अलावा ये किसी को भी दी जाए, याद रखना जब मैं यहाँ पे किसी भी जब लिखता हूँ एनी पर्सन, तो एनी पर्सन से मेरा क्या मतलब होता है, एनी पर्सन का मतलब चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो चाहे वो नॉन बिजनेस एंटिटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। नंबर टू पे है सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट या वेसल इनसाइड या आउटसाइड प्रिसेंट्स ऑफ पोर्ट या एयरपोर्ट। क्या मतलब है सर, देखिए जितने भी गवर्नमेंट के पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स हैं उनके अंदर किसी भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड या किसी भी वेसल से रिलेटेड अगर सर्विसेज दी जा रही है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एयरक्राफ्ट को या वेसल को वहां पर लैंड करने के लिए हम आपको परमिशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक सर्विसेज दे रहे हैं जहां पर आप अपना एयरक्राफ्ट, अपना वेसल हमारे स्पेस पे क्या कर सकते हो, लैंड कर सकते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपसे कुछ चार्जेस लेती है, वो सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है सर। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स, इसका मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व्ड है किसमें, कोई भी ऐसी सर्विसेज में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर इन्वॉल्व होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो होगा वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है जी, ठीक है। या फिर एनी अदर सर्विसेज अदर देन एबीसी, जो मैंने पढ़ा इसके अलावा भी कोई भी सर्विसेज टैक्सेबल हो सकती है, कब, अगर वो दी जा रही है, आवाज मारो किसको, बिजनेस एंटिटीज को, ठीक है सर। मैं रिपीट करूंगा, ये आपने लर्न करना है, आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ साथ जैसे मैं कहूंगा वैसे अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल सिंपली लव दिस चैप्टर। आज क्लास खत्म होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेगा एग्जम्पशन आपको फर्स्ट टाइम समझ आया है, और इसको हम रिलेट कैसे करेंगे आरसीएम के साथ वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी, ठीक है सर। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, कोई भी सर्विसेज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी एग्जम्प्ट होती है एक्सक्लूडिंग चार। नंबर वन पे क्या है, एनी सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, लेकिन याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सभी सर्विसेज टैक्सेबल नहीं होती, सिर्फ चार होती हैं, कौन कौन सी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट या फिर लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, ठीक है सर। ऐसे ही अगर कोई भी सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल्स, एयरक्राफ्ट या वेसल्स जो कि इनसाइड या आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ एनी पोर्ट या एयरपोर्ट दी जा रही होंगी, इनको भी हम टैक्सेबल करते हैं। अगर गवर्नमेंट का कोई भी सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होता है वो भी टैक्सेबल होता है। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो अदर देन 1, 2, 3 जो भी मैंने एबीसी पढ़ाया इनको छोड़कर बाकी सर्विसेज भी टैक्सेबल होंगी अगर वो किसको दी जा रही है, बिजनेस एंटिटीज को, ठीक है सर। और मैंने यहां पर जब पढ़ाया था एबीसी
तो याद रखना एबीसी के लिए लॉ कहता है कि मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा टू बिजनेस एंटिटी, यानी कि एबीसी के लिए आप ध्यान रखो टू एनी पर्सन, एनी पर्सन, बस ए में याद रखना टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है सर, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका क्रक्स क्या निकला, आइए देखते हैं। ये क्रक्स निकल कर आया, एक बार जरा मेरे साथ ध्यान से देखेंगे, मैं इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे बहुत इजी हो जाएगा अगर हम इसको बार बार समझेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को हम पहले पिक कर लेते हैं, चार स्पेसिफाइड सर्विसेज जो मैंने आपसे कहा वो टैक्सेबल होंगी, कब, अगर वो इनको दी गई तो एग्जम्प्ट है, लेकिन इनके अलावा किसी और को दी गई तो टैक्सेबल है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चार स्पेसिफाइड सर्विस के अलावा जो भी देगा क्या वो एग्जम्प्ट होती है, और वो चार कौन सी है दोबारा बोलेंगे, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी बिजनेस। ठीक है सर, एनी सर्विसेज पोर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज किसको, टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल शैल बी टैक्सेबल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर टू एनी पर्सन, आप देख सकते हैं मैं यहां पर एनी पर्सन लिख रहा हूं, और एनी अदर सर्विसेज लाइक सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, ये सब चीजें टैक्सेबल होती हैं, कब, अगर ये दी जा रही हैं किसको, किसी भी बिजनेस एंटिटी को तो ये टैक्सेबल होंगी, लेकिन अगर ये किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो ये होंगी एग्जम्प्ट। ठीक है सर, ठीक है सर, सर हमें समझ आ गया, एबीसी सबके लिए टैक्सेबल है, बस ए में एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी है, और इनके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल होंगी अगर टू बिजनेस एंटिटीज को दी जा रही है। तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एंट्री नंबर 6 पूरा समझ आ गया है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब हम आ रहे हैं एंट्री नंबर 6 के बाद एंट्री नंबर 7 पे। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी अभी हमने 6 में पढ़ा था कि बिजनेस एंटिटीज को अगर आप कोई भी सर्विसेज देंगे तो क्या वो टैक्सेबल होती है, बिल्कुल सही। लेकिन अब एंट्री नंबर 7 ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, सर्विसेज बाय ऑल दीज टू बिजनेस एंटिटी भी एग्जम्प्ट हो जाएगी अगर उस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर अप टू 20 लाख या 10 लाख इन SCS। याद रखना जब मैं ये वर्ड लिखता हूं ना 10 लाख इन SCS, तो यहां पे सारे SCS की बात नहीं हो रही, ये उन SCS की बात हो रही है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में अपनी टर्नओवर आज भी 10 रखी हुई है, उनके लिए 10, लेकिन जिन SCS ने रजिस्ट्रेशन में अपनी टर्नओवर को 20 कर दिया है क्या उनके लिए 20 ही देखना होगा। ठीक है सर, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है टू बिजनेस एंटिटी, तो सर आपके जब आपने ये पढ़ाया तो इसके अकॉर्डिंगली हमने एंट्री नंबर 6 में पढ़ा ये टैक्सेबल है। ठीक है, और एंट्री नंबर 7 ने क्या कहा कि इसे भी मैं एग्जम्प्ट कर सकता हूं अगर वो बिजनेस एंटिटी जो है उसकी टर्नओवर 20 लाख तक ही थी या उससे कम थी बट उससे ज्यादा नहीं थी, और जिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट ने रजिस्ट्रेशन में अपना 10 कर दिया है क्या उनके लिए 10 देखना था। सर मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि बिजनेस एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड, बिल्कुल सही बोल रहे, लेकिन अब इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन डाली गई, द अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 जब भी मैं बोलूंगा ना तो आप समझ जाना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बिल्कुल सही, एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर से रिलेटेड। याद रखना उस पर छूट ना बिजनेस एंटिटी को मिलती है और ना ही नॉन बिजनेस एंटिटी को मिलती है, वो हमेशा टैक्सेबल रहेगा, ये मेरी बात ध्यान रखनी है। ठीक है सर, अच्छा नेक्स्ट कहते हैं बी, सर्विसेज बाय द वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब अगर कोई सर्विसेज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रिलेटेड है और अगर वो किसी बिजनेस एंटिटी को दी गई है भले ही उसकी टर्नओवर 20 से नीचे हो वो टैक्सेबल होगी। सर कंफ्यूजन, आ जाओ चार्ट बनाओ मेरे साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, टू बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 20 लाख है, ठीक है जी, ठीक है सर, और अगर ये रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल हुआ या अदर्स हुआ तो आपने क्या पढ़ना है, सर अदर्स में ये एग्जम्प्ट होगा
रेंटिंग ऑफ इमूवेबल में ये टैक्सेबल होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा यहां पे जब मैं ये लिखता हूं लेस देन, तो क्या मैं ये मान लूं ये अनरजिस्टर्ड है? हाँ सर। अच्छा अब बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो क्या हो गया? रजिस्टर्ड। ठीक है सर। और जब वो रजिस्टर्ड हो गया तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल हो या अदर्स हो, क्या वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा? कैसे सर? सर ऐसे क्योंकि एंट्री नंबर 7 आप पर लगेगी नहीं, और जब एंट्री नंबर 7 नहीं लगेगी तो आप एंट्री नंबर 6 लगाकर क्या उसको टैक्सेबल कर देगा? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी किसी भी बिजनेस एंटिटी को अगर दे रही है और अगर उसकी टर्नओवर अप टू 20 है तो एंट्री नंबर 7 बचा तो सकती है फ्रॉम ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट वन, कौन सा वाला? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल। ठीक है जी। और अगर वो 20 लाख से ऊपर चली गई तो फिर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल तो पहले भी टैक्सेबल थी, वो आज भी रहेगी, और जो बाकी एग्जाम थी क्या वो भी टैक्सेबल हो जाएंगी? ठीक है। और जिन तीन की हम बात करते हैं 1, 2, 3 मैं बार बार ऐसे ही लिखा करूंगा, ये हमेशा टैक्सेबल रहेगी, इसको एंट्री नंबर 7 ने भी नहीं बचाया। ठीक है सर, क्या यहां तक क्लियर? ओके सपोर्ट। ठीक है, अब आ जाओ जरा एंट्री नंबर 8 पर, एंट्री नंबर 8 पर। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इतना मैसिव है ये कि इसको रिटेन करने के लिए आपको मेरे सारे चार्ट्स को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर किसी ने मेरे क्लास को ढंग से नहीं समझा तो सर मेगा एग्जम्पशन आपके लिए समझना एक सपने की तरह हो जाएगा, वो आप कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, तो मैं फिर से अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगेन एंट्री नंबर 8, टू एनी अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल सेंट्रल को दे रही है या स्टेट को दे रही है, तो ये आपस में अगर एक दूसरे को दे रहे होंगे तो ये एग्जम्प्ट रहती है। प्रोवाइडेड 1, 2, 3 इज टैक्सेबल, याद रखना 1, 2, 3 मतलब सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए एग्जम्प्ट नहीं होती, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 स्पेसिफाइड सर्विसेज जो किसको दी जा रही थी? टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, बस उसको छोड़कर रेस्ट। अच्छा जब मैं लिखता हूं ना प्रोवाइडेड 1, 2, 3 मतलब मेरा कहने का मतलब है 1, 2, 3 जैसा था वैसा ही रहेगा, रेस्ट हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब मैं जब भी लिखता हूं ना प्रोवाइडेड 1, 2, 3 टैक्सेबल का मतलब क्या होता है कि 1, 2, 3 एंट्री नंबर 6 में, याद रखना 1, 2, 3 का मतलब हमेशा क्या होगा, एंट्री नंबर 6 में जो लिखा हुआ है उसको वैसे पढ़ोगे, इसके अलावा जो बच जाएगा क्या उनके लिए हम एंट्री नंबर 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, मैं एक बहुत बेहतरीन चार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सारी कवर कर जाऊंगा और आपको इतना मजा आएगा कि आपको हो गया सर मजा आ गया। ठीक है जी। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। अगेन एंट्री नंबर 9 कहती है सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, वेयर कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज अप टू 5,000 है। इसका मतलब अगर ये सर्विसेज दी जा रही हैं बाय सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, अगर उसका कंसिडरेशन सिर्फ 5,000 तक था तो गवर्नमेंट कहती है इसे भी हम एग्जम्प्ट कर देंगे। अगेन 1, 2, 3 आज भी क्या रहेगा? टैक्सेबल। ठीक है। और ये जो 5,000 इन्होंने लिखा है ना, ये एक फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। क्या मतलब है सर? देखिए कई बार ना कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, जैसे मैंने कहा मेरी टीचिंग इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की फीस तो हमारी 10,000 होती है लेकिन हम 2,000-2,000 करके लेते हैं। तो मान लो मैंने 2,000-2,000 करके लिया, लेकिन कौन बताएगा क्या मेरा कंसिडरेशन 2,000 माना जाएगा या 10 माना जाएगा? बिल्कुल सही। तो वो यही कह रहा है कि अगर तो ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है और पूरे साल में आपको 3,000-3,000 करके 30 मिला है, तो याद रखना हम इसको 30 काउंट करेंगे और टैक्सेबल कर देंगे, रादर देन हर 3 पे आपको बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, तो ये हमारा एंट्री नंबर 9 भी हो गया। तो मैंने आपको 4 एंट्री करा दी, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी, 6, 7, 8, 9 मैं जितना करा दूंगा
उसके साथ साथ मैं आपको चार्ट भी बना देता हूँ, लिखना शुरू करेंगे, ठीक है जी। अब 6, 7, 8, 9 इन चारों पर बेस्ड मैं आपको दे रहा हूँ एक चार्ट, बड़े ध्यान से देखना है क्रक्स क्या निकल कर आया। क्रक्स ये निकल कर आया, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी। 1, 2, 3 तो टैक्सेबल है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 कैसे पढ़ना है सर? सर, चार स्पेसिफाइड सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू एनी पर्सन अदर देन सीजी, एसजी, यूटी। सेकंड कैसे करना है? सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांस, सॉरी, इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रेजेंट ऑफ पोर्ट या एयरपोर्ट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर। ठीक है सर, ये तो हो गया सर। अच्छा, फिर इसके बाद अभी तक हमने पढ़ा इसका क्रक्स है, ये हमेशा टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। टू एनी बिजनेस एंटिटी अगर हुआ तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। अगर उसकी टर्नओवर अप टू 20 है या 20 से ज़्यादा है, ठीक है सर। अगर ये अप टू 20 है तो दो बातें होंगी, क्या ये रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल है भाई। यहाँ पे जब मैं लेस देन 20-10 बोलता हूँ तो ये अनरजिस्टर्ड होता है और यहाँ पे ये रजिस्टर्ड होता है, ठीक है जी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल तो सर ये तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल। और अगर अदर्स हुई तो ये एग्जम्प्ट, और ये एग्जम्प्ट किसने एग्जम्प्ट करा? एंट्री नंबर 7 ने। अगर ये 20 लाख से ज्यादा हुई, अगर ये 20 लाख से ज्यादा हुई तो सर ये टैक्सेबल होंगी, टैक्सेबल होंगी। लेकिन हाँ, अगर वैल्यू अप टू 5,000 होती है पर फाइनेंशियल ईयर तो क्या ये एग्जम्प्ट हो सकती है, क्या ये एग्जम्प्ट हो सकती है। मेरे ख्याल से चार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया आपको, ठीक है जी। और फिर हमने पढ़ा कि अगर तू सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी हो तो क्या ये भी एग्जम्प्ट होती है। ये हमें एंट्री नंबर 8 ने बताया, ये हमें एंट्री नंबर 9 ने बताया, ये हमें एंट्री नंबर 7 ने बताया, और ये एंट्री नंबर 6 ने कहा ये टैक्सेबल है। तो सब ने कहा टैक्सेबल है सर। मजा आ गया, मजा आ गया सर। बेस्ट चार्ट, बेस्ट चार्ट। जिसको ये चार्ट समझ आ गया उसको 6, 7, 8, 9 ऑल क्लियर, ठीक है जी। ठीक है सर, अब जब इतना समझ आ गया है तो अब मैं पढ़ाऊंगा आपको आरसीएम, गवर्नमेंट की सर्विसेज का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है जी। ठीक है सर, प्लीज इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, नोट करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से नोट करते हैं। ठीक है बेटा, बेटा मैं एक बात बता दूं, अगर आपने मेगा एग्जम्पशन मेरे साथ कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं आप अपनी जिंदगी में आपकी याददाश्त चली जाएगी लेकिन मेगा एग्जम्पशन नहीं जाएगा दिमाग से, ठीक है। और इसके जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना तो आपको लगेगा, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा वो क्वेश्चन जो पिछली बार आए थे, तो आपको लगेगा ओ हो सर इतने आसान क्वेश्चन थे एंड वी मिस्ड इट, ठीक है जी। हमारे फेल होने की वजहें क्या है सर? यही वजहें हैं, हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग पूरा सिलेबस ही नहीं करके जाते, ठीक है ना। और जो बच्चा पूरा सिलेबस करके नहीं जाएगा तो डेफिनेटली उसके लिए पेपर में पास होना हमेशा से ही परेशानी रहेगी, ठीक है जी। ठीक है सर, अब कुछ मेगा एग्जेम्पशंस दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है आपने, सॉरी आरसीएम, आरसीएम दिखेंगे। आरसीएम की दो एंट्री मैं कवर करने जा रहा हूं, 5 और 5A, ठीक है। इसको कराने के बाद मैं फिर आपको वहीं लेके जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको कुछ, ठीक है जी। ठीक है सर, इन्होंने कहा सर्विसेज बाय सेंट्रल, स्टेट, यूटी, लोकल अथॉरिटी अगर किसी बिजनेस एंटिटी को देती है जो कि कहां पे लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी, तो इस पर आरसीएम लग जाएगा। अब देखो आरसीएम में ना हम लोग जब पढ़ते हैं ना, और अगर डायरेक्ट आरसीएम पढ़ते हैं तो आप कभी जिंदगी में लॉजिक नहीं समझ पाएंगे कि यहां पे नॉन बिजनेस क्यों नहीं आया। अब आप समझ जाते हैं, बताओ क्यों, यहां पे खाली बिजनेस एंटिटी क्यों लिखा, नॉन बिजनेस एंटिटी क्यों नहीं लिखा। सर आप समझ जाते हो कि नॉन बिजनेस एंटिटी के लिए क्या हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारी ही एग्जम्प्ट थी 3 को छोड़कर। बिल्कुल सही है सर, तो इसका मतलब ये हो गया आरसीएम सिर्फ बिजनेस एंटिटी पे लग रहा है, नंबर 1, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने कहा एक्सक्लूडिंग
चार चार ऐसी सर्विसेज होंगी जिस पर आरसीएम नहीं लगेगा, और वो कौन सी है? 1, 2, 3 तो वही है। 1, 2, 3 वही कौन सी सर? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट वेसल, इनसाइड आउटसाइड प्रेजेंस ऑफ पोर्ट एयरपोर्ट, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर। इन पर आरसीएम नहीं लगेगा, चाहे ये टू बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल पे भी आरसीएम नहीं लगेगा, ये एंट्री नंबर 5 ने कहा। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, अगर ये लोग सर्विसेज देते हैं, ठीक है, किसको सर? बिजनेस एंटिटी को, ठीक है सर, तो ये टैक्सेबल होती है, ये हमने चार्ट में पढ़ लिया। अब इस पर आरसीएम भी लगता है क्या? ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है सर। आरसीएम नहीं लगेगा रेंटिंग पर, और आरसीएम नहीं लगेगा 1, 2, 3 पर, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से सोचना, ठीक है, सोचिएगा दिमाग से। अगर मैं ये कहूं गवर्नमेंट ने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दिया है, यानी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल दिया टू, जो मैं लिख रहा हूं प्लीज उसका जवाब देना बस, अरुण सेतिया, जो कि रनिंग अ बिजनेस, बट मेरी टर्नओवर जो है ना वो 20 लाख से कम है। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या ये टैक्सेबल है या नहीं? आरसीएम तो बात की बात है सर, आपने ये कहा था कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को जिसकी टर्नओवर 20 लाख से कम होती है या अप टू 20 लाख होती है, वो एग्जेम्प्ट होता है एक्सेप्ट रेंटिंग। लेकिन क्योंकि ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल है, तो सर ये टैक्सेबल है। बहुत बढ़िया, जैसे ही आप टैक्सेबल बोलोगे ना, तो मेरा क्वेश्चन आएगा आरसीएम या एफसीएम, रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज। अब रिवर्स चार्ज तभी लगेगा ये 5 में कवर हो, तो अब 5 में उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये कवर नहीं हो रहा। क्यों नहीं कवर हो रहा? क्योंकि साफ लिख दिया उन्होंने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आरसीएम नहीं लगेगा, एक्सक्लूडिंग में आ गया, तो इसका मतलब ये जाएगा एफसीएम में। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है सर। लेकिन अब 5A पढ़ो क्या लिखता है। Services by the way of this renting of immovable to person registered under CGST Act. ओहो, तो वहां RCM लग जाएगा। क्या मतलब सर? देखो दोबारा देखो, गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रही थी टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आप मुझे बस इतना बता दो, क्या रिलायंस इंडस्ट्री जो है, क्या इसकी टर्नओवर ऑलरेडी 20 लाख से ऊपर है, तो क्या ये मान के चलूं ये रजिस्टर्ड है? ठीक है सर, पहला सवाल, क्या ये टैक्सेबल है या नहीं? सर ये तो 100% टैक्सेबल है, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एंट्री नंबर 7 बचाती है सिर्फ इसको, अप टू 20 वाली को। रिलायंस इंडस्ट्री तो 20 से बहुत ऊपर है, तो क्या ये एंट्री नंबर 7 से तो नहीं बचेगा? बिल्कुल सही, तो ये टैक्सेबल तो है। अब फिर से जब टैक्सेबल आएगा तो दिमाग में आएगा आरसीएम है या एफसीएम। तो 5 में तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या 5A में आ रहा है ये? यस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल 5A में क्लियरली आ रहा है। लेकिन याद रखना कब? अगर वो किसी रजिस्टर्ड, देख लीजिए, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है। अच्छा सर, अभी भी आपको समझ नहीं आया, ठीक है ना, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले उसको समझ लेते हैं, शुरू करेंगे आराम से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी सर्विसेज, आराम आराम से करो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है ये, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही है, ठीक है, बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर 15 लाख है, बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर 50 लाख है। सर देखो, ये तो एंट्री नंबर 7 में एग्जम्प्ट हो गया, ठीक है सर, क्योंकि एंट्री नंबर 7 साफ लिखती है अगर किसी बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर अप टू 20 है या 10 इन केस ऑफ दो स्टेट्स जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन के समय पे लिमिट 10 रखी हुई है, तो ये एग्जाम्प्ट में आएगा, प्रोवाइडेड बस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल नहीं होना चाहिए और ये अलग सर्विस है, ठीक है ना। और अगर ये होगा तो इसको आप क्या लिखोगे? ये तो टैक्सेबल है, क्योंकि इसको ना 6 बचा पा रहा है, ना 7 बचा पा रहा है,
ना 8 बचा पा रहा है ना 9 बचा पा रहा है, याद क्लियर। जब आप लिख दोगे टैक्सेबल तो मैं आपसे पूछूंगा आरसीएम है या एफसीएम। अब सोच के बताओ सर क्या साफ लिखा हुआ है सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी यूनियन टेरिटरी टू एनी बिजनेस एंटिटी अगर वो देती पाई गई एक्सेप्ट रेंटिंग और 1, 2, 3 क्या वो आरसीएम में आता है? तो ये एंट्री नंबर 5 की वजह से क्या आरसीएम में आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब यहां पर ऐसे ही मैं कुछ भी नाम लेता रहूं सिर्फ रेंटिंग ऑफ इमोवेबल को छोड़कर, तो क्या आप एंट्री नंबर 5 में उसका आंसर ढूंढ लेना, वो भी कब, जब वो टैक्सेबल होगा। तो ये तमीज होती है पढ़ने की। अब जो लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ते उनको जिंदगी भर समझ नहीं आ सकता कि मेगा एग्जम्पशन और आरसीएम में क्या कनेक्शन है। ठीक है सर, अब दोबारा देखना, अब देखते हैं कौन बताएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल सर्विसेज दिया है, अगेन बिजनेस एंटिटी को ही दिया है, ठीक है ना, बिजनेस एंटिटी को ही दिया है, ये लो, नॉन बिजनेस एंटिटी भी लिख लो चलो तुम, ठीक है ना, आराम से सोचना। नॉन बिजनेस एंटिटी तो हमेशा एग्जम्प्ट होता है, ये ध्यान रखो। सर ये कहां से पता चला आपको? एंट्री नंबर 6 से, ठीक है सर। बिजनेस एंटिटी के लिए अगर इसकी टर्नओवर लेट से 18 लाख है तो सर ये भी एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 7 से। नहीं होगा एग्जम्प्ट लल्लूओ, क्योंकि एंट्री नंबर 7 में क्या लिखा था, ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट रेंटिंग। मैं चेक कर रहा हूं तुम्हारे को, तुम क्या कर रहे हो बताओ, क्या ये टैक्सेबल है? बिल्कुल टैक्सेबल है सर, इसमें एंट्री नंबर 7 लगेगा ही नहीं। और अगर उसकी टर्नओवर 35 लाख हुई क्या तो भी टैक्सेबल है? बिल्कुल, याद है, क्लियर, ठीक है सर। अब जब टैक्सेबल है तो मेरा सवाल आ जाएगा एफसीएम या आरसीएम, तो आप सोच के बताना। 5 तो लगेगा नहीं क्योंकि 5 पे तो रेंटिंग ऑफ इमोवेबल है ही नहीं। 5A लग सकता है, वो भी अगर रजिस्टर्ड हो तो यहां पे 5A भी नहीं लगेगा, तो ना 5 ना 5A, तो क्या ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा? और इस पे 5A लगा देना तो क्या ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा? आई एम वेरी श्योर, क्लियर टू एवरीवन। ये इस तरह से हमने चार्ट बनाना था, क्या सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, क्या क्लियर हो गया हमें? ठीक है सर, हमें एंट्री नंबर 6, 7, 8, 9 भी आ गई। क्या हमें आरसीएम के अंदर 5 और 5A क्या दोनों आ गए? ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर मैं एक सीक्वेंस पढ़ रहा हूं, ये एक क्लेरिफिकेटरी नेचर में है, ठीक है, ये क्लेरिफिकेटरी नेचर में है, सिर्फ इसको ऐसे ही पढ़ना है हमने, ठीक है। कहते हैं सर्विसेज बाय सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी बाय द वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट या फिर वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये एग्जम्प्ट होती है, ठीक है सर। सर्विसेज बाय सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी बाय द वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है सर? देखिए टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि गवर्नमेंट ने सपोज करो एक फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया हुआ है और उसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च 2020, और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि फॉर योर नॉन परफॉर्मेंस वी विल चार्ज 1000 रुपीज पर डे फॉर टॉलरेंस ऑफ दैट नॉन परफॉर्मेंस। तो एक तरह से गवर्नमेंट एक सर्विस दे रही है, सर्विस का नाम क्या है? टॉलरेंस सर्विस। क्या नाम है? टॉलरेंस सर्विस। और उस टॉलरेंस सर्विस के लिए गवर्नमेंट क्या 1000 रुपए पर डे चार्ज कर रही है, तो वो जो चार्ज किया जाएगा ना उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये इन्होंने क्लियर कर दिया, साफ लिखा हुआ है फॉर विच कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ फाइन या लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है सर, तो 61, 62 दो और हो गई। 63, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी बाय द वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। अगर गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का राइट दे रही है, किसको? इंडिविजुअल फार्मर्स को, कंपनीज को नहीं, इंडिविजुअल फार्मर्स को, फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। अगर गवर्नमेंट आपको राइट दे रही है कि आप यूज कर सकते हो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, लेकिन आप कौन होने चाहिए? इंडिविजुअल फार्मर्स होने चाहिए, फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट,
यानी कि आप किस लिए यूज कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स के लिए या फिर रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल्स, लेकिन किसको छोड़कर, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स। और ये रियरिंग या फिर कल्टीवेशन किया जा रहा है किस लिए, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या एनी अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने अगर मान लो आपको राइट दे दिया कि आप यूज कर सकते हो मेरे नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन ये राइट किसको देना होना चाहिए, इंडिविजुअल फार्मर्स को, फॉर कल्टीवेशन या रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स रियरिंग। फॉर किस पर्पसेस के लिए आप ये काम कर रहे हो, फूड, फाइबर, रॉ मटेरियल या फ्यूल्स वगैरह के लिए, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट आपकी इस सर्विसेज पे जीएसटी चार्ज नहीं करेगी, और गवर्नमेंट अगर आपसे चार्ज भी कर रही है पैसा तो उस पैसे के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये हमें एंट्री नंबर 63 बताता है, ठीक है सर। अब देखिए दो एंट्रीज है ना 42 ये यूजलेस एंट्रीज है, क्योंकि ये अप टू 1 अप्रैल 2016 तक की थी, उसके बाद से ये अब टैक्सेबल हो चुकी है, तो इसको अब हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 6442 को आप वहां से डिलीट कर सकते हो, ठीक है सर। 65 पे आएंगे, जिन लोगों ने कस्टम पढ़ा हुआ है मेरे साथ, आपको याद होगा कस्टम के अंदर अगर आप चाहो तो आफ्टर वर्किंग आवर माल उतार सकते हो, लोडिंग अनलोडिंग करवा सकते हो, स्टफिंग करा सकते हो, डी स्टफिंग करा सकते हो, या फिर हॉलीडे वाले दिन भी करा सकते हो, लेकिन उस पर मर्चेंट ओवरटाइम फी लगता था। बस एंट्री नंबर 65 कह रहा है कि मर्चेंट ओवरटाइम फी जो हम चार्ज करेंगे आपको अपनी सर्विसेज के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, ये एंट्री नंबर 65 कहता है, ठीक है सर। 61, 62, 63, 64, 42, 65, हालांकि 64 और 42 आप लीव कर सकते हो, ठीक है सर, ठीक है सर। क्या मेरे ख्याल से यहां तक हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एंट्री नंबर 47 एक और पढ़ेंगे हम, और उसके बाद गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज खत्म। उसके बाद मैं एक फाइनल चार्ट आपको और दूंगा, और हमारा बहुत सारी एंट्रीज इसी में ही समा जाएंगी, ठीक है सर, ठीक है जी। तो अब देखो, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी बाय द वे ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। देखिए आप कहीं पर भी, जैसे अगर आप किसी भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसकी एक फीस लगती है, बट उस फीस पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है सर। या फिर अगर गवर्नमेंट किसी तरह की सर्विसेज दे रही है फॉर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक्स, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन या सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक एट लार्ज, इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस, जो भी होगा इन सब चीजों के लिए पैसे तो लेंगे बट उन पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है सर। तो अब आपको एक चार्ट में आपको और बना के दे रहा हूं, वो आप बनाइए, बनाओ बच्चे, एक चार्ट छोटा सा हमें और बनाना है। हाँ जी, एक बार जरा जितना मैंने पढ़ाया उसको जरा एक बार रिवाइज देख लेते हैं। एंट्री नंबर 61 क्या कहती है, रिलेटेड टू पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। एंट्री नंबर 62 में टॉलरेशन, टॉलरेटिंग एंड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, जिसके अंदर हम आपसे फीस, फाइन या लिक्विडेटेड चार्जेस, डैमेजेस चार्ज करेंगे। 63 में अगर हमने कोई नेचुरल रिसोर्स को यूज करने का राइट दिया है टू इंडिविजुअल फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन या रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स रियरिंग, 64, 42 मैंने कहा इसको लीव कर देंगे। 65 में अगर आपने मर्चेंट ओवरटाइम फी चार्ज करा है अपने पोर्ट पर और उसके लिए कोई भी जीएसटी फर्दर चार्ज नहीं होगा, और 47 में अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन ग्रांट करा है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस लिया गया था बट उस फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा, या फिर कोई फायर से रिलेटेड लाइसेंस इशू हुआ है, इन सब चीजों में आपको जीएसटी पे नहीं करना है, राइट। तो हमने पहले करा 6, 7, 8, 9, चार हमने वहां करे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 मेगा एग्जम्पशन हमारी खत्म, ठीक है जी। और अब हम करने जा रहे हैं दो और उसके बाद हमारी मेगा एग्जम्पशन जो है 13 खत्म हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अपने चैप्टर को बढ़ाएंगे, ठीक है सर। तो अब मेरा क्वेश्चन है, अब ये जो दो एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें थोड़ा सा चेंज है। सर पहले क्या लिखा होता था एंट्री नंबर 4 में, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इस तरह से लिखा होता था, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन विच आर एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर 243, आर्टिकल 243 डब्ल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सेम कॉपी पेस्टेड था 243 जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर वो फंक्शन थे जो कि म्युनिसिपैलिटी करती है,
और यहाँ पे वो फंक्शन थे जो पंचायत करती है। अगर ऐसे कोई भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी या लोकल अथॉरिटी करेगी तो वो एग्जम्प्ट होते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ था। लेकिन अगर आपने सप्लाई सेक्शन 7 मेरे साथ पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्टिविटीज है ना एज पर सेक्शन 7 नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बन चुकी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के लिए, ठीक है जी। तो इसीलिए अब एंट्री नंबर 4 और 5 में CGSG जहां जहां पे लिखा था बदले में लिख दिया गया गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अब गवर्नमेंटल अथॉरिटीज कौन होती हैं? ये वो अथॉरिटीज होती हैं जो कि या तो स्पेशल सेटअप की जाती हैं बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, या फिर इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट विद 90% ऑफ मोर पोर्शन बाय द वे ऑफ इक्विटी या कंट्रोल विच इज हैविंग कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसमें 90% या उससे ज्यादा का कंट्रोल सरकार के पास होता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो अब इन्होंने एंट्री नंबर 4 और 5 में क्या कर दिया कि अगर कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी कोई भी ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो एंट्रस्टेड टू पार्लियामेंट या फिर विच इज एंट्रस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243W या 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो एग्जम्प्ट रहेंगी एज पर एंट्री नंबर 4 और 5। ठीक है सर, समझ आ गया सर हमें पूरा, बहुत बढ़िया बच्चे समझ आ गया। तो मेरी पहली सर्विस पूरी तरह से होती है कंप्लीट, ठीक है जी। ओके सर, प्लीज ये दो चार्ट, एक तो इसको आप फोटो खींच लीजिए और एक इसकी आप फोटो खींच लीजिए, ठीक है जी। तो आउट ऑफ 82 मेगा एग्जम्पशंस आपकी उसमें दी हुई हैं, वी हैव ऑलमोस्ट कवर 13। ठीक है सर, अब आ जाओ पब्लिक फैसिलिटी सर्विसेज। पब्लिक फैसिलिटी सर्विसेज में कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी अगर लेंड करती है किताबों को या पब्लिकेशंस को या अदर नॉलेजेबल एनहेंसिंग कंटेंट्स को या मटेरियल को, इवन दो इफ दे चार्ज सच सम अमाउंट फॉर लेंडिंग ऑफ बुक्स, देन ऑल्सो उस पर GST नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, ये एंट्री नंबर 50 में लिखा है। बिल्कुल उसी प्रकार से एंट्री नंबर 76 में लिखा है, अगर कोई पब्लिक कन्वीनियंस बाथरूम वॉशरूम अगर आपको रास्ते में दिखते हैं और अगर आप उन्हें यूज कर रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़े, बट उन चार्जेस पर आपको GST नहीं लगेगा। ये इन्होंने पब्लिक फैसिलिटी से GST हटा दिया, खत्म। सर बहुत आसान है, ठीक है जी, बिल्कुल 13 और 2, 15 खत्म हो गई हमारी, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब करेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तैयार हो जाइए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा भी हैं और इस पर अमेंडमेंट भी आई है और उस अमेंडमेंट पे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है जी, तो ऊपर हेडिंग डालेंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए एंट्री नंबर 12 कहती है सर्विसेज बाय द वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर यूज एज अ रेजिडेंस। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेजिडेंस पर्पसेस के लिए किराए पे दिया है तो उस पर GST नहीं लगेगा। सर ये क्या होता है, 2 सेकंड लगेंगे, समझाता हूं मैं आपको। देखिए आज ना बिल्डिंग्स एक होती है कमर्शियल बिल्डिंग्स, एक होती है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स, ठीक है। जैसे जहां पर आप लोग रहते हो ना वो सारी जो प्रिमाइसेस हैं वो सारी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स कहलाती है, और जब उन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स को किराए पे दिया जाता है फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस तो GST नहीं लगता। सर एक बात बताओ, मेरे ना घर में ना ऊपर वाले फ्लोर पे ना हमने ब्यूटी पार्लर वालों को किराए पे दिया है, अब आप बताओ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो थी वो, मतलब है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, बट यूज्ड फॉर कमर्शियल तो
तो क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? बिल्कुल सर, इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह रहे हो कि वो प्रॉपर्टी भी रेजिडेंशियल होनी चाहिए और उसका यूज भी रेजिडेंशियल होना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा सर, हमें कैसे चलता है कि ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है या कमर्शियल है? सर वो हमारे गवर्नमेंट ने ना रोड्स बना रखी है, कुछ रोड्स को गवर्नमेंट कहती है कि ये कमर्शियल रोड है, तो उस कमर्शियल रोड पे जो भी बिल्डिंग्स होती हैं वो सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं। अब उन कमर्शियल बिल्डिंग्स को जब भी किराए पे दिया जाएगा तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल। और कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, कुछ रोड्स ऐसी होती हैं जो रेजिडेंशियल रोड्स होती हैं, जिनके अंदर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड हो जाती है, डजंट मीन कि वो रोड कमर्शियल हो गया। अच्छा, तो सर इसका मतलब टीचिंग एक कमर्शियल एक्टिविटी है बट अलाउड ऑन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स, ये ध्यान रखना। तो अब आप मुझे बताओ, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे मैंने किराए पे सपोज करो कोचिंग सेंटर चलाने के लिए जगह ली है, तो क्या ये टैक्सेबल है? बिल्कुल सर, ड्वेलिंग भले ही रेजिडेंशियल थी बट यूज्ड कमर्शियल था। अच्छा, तो दोनों चीजें देखनी है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड यूज, क्या ये दोनों चीजें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होगी तो एंट्री नंबर 12 लग जाएगी और वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अब एंट्री नंबर 13 और 14 पढ़नी है, पहले 14 पढ़ेंगे हम। कहते हैं अगर हमने रूम रेंटिंग करी है किसी भी होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब के द्वारा फॉर रेजिडेंशियल या लॉजिंग पर्पसेस, तो वो एग्जम्प्ट हो सकती है। कब? अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई, सर यहां पर ना पहले जो शब्द था ना वो था डिक्लेयर्ड टैरिफ। अब कभी आप होटल में जाते हो ना तो आप देखोगे वहां पर ना एक टैरिफ कार्ड होता है, तो उस पर डिक्लेयर टैरिफ होते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो वर्ड हटा के क्या लिख दिया, वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ अ यूनिट ऑफ एकोमोडेशन इज बिलो या इक्वल टू 1000 रुपीज। याद रखना पहले खाली बिलो था, अब इक्वल भी आ गया है। इसका मतलब अगर ये 1000 रुपए या उससे नीचे होगा तो पर डे, तो ये एग्जाम हो जाएगा। और इक्विवेलेंट, यहां पे इक्विवेलेंट का मतलब है कि 1000 रुपए के बराबर, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, तो उसकी अगर वैल्यू 1000 रुपए तक अगर होगी तो वो भी माना जाएगा एग्जाम है। ठीक है सर, तो इसका मतलब अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, मुझे था ना सर, जितने भी हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, हम लोग जितने भी इस तरह इन इन जगहों में जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर छोटे छोटे धर्मशालाएं, छोटे छोटे होटल्स होते हैं जहां पर अक्सर जो किराए होते हैं ना वहां के, वो 800 रुपए, 700 रुपए, 900 रुपए होता है। ठीक है, तो बस इतना बता दो, क्या उन सभी जगहों पे क्या हमें एग्जम्पशन मिल जाती है बिकॉज ऑफ एंट्री नंबर 14? क्यों? क्योंकि अगर उसका जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई मैं जरूर आपको समझाऊंगा डिटेल में एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्या मतलब है मेरा, तो वो अगर 1000 या उससे नीचे हुई तो आप बच जाओगे, अदरवाइज क्या उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है सर, सर आप इसके ऊपर ना मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, ये CMA इंटर रिविजनरी टेस्ट पेपर्स में दिया हुआ था, आपने बस एंट्री नंबर 14 को तमीज से पढ़कर बताना है कि इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं। ठीक है, देखो, X लिमिटेड ओन करता है एक होटल इन दिल्ली, फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट द टैक्सेबिलिटी। ठीक है जी, नेम ऑफ द गेस्ट ए बी सी डी, पहले वाले का जो हमने उसको रूम दिया उसका डिक्लेयर टैरिफ ये था, इसका इतना, इसका इतना, क्योंकि हर होटल में अलग अलग तरह के रूम्स होते हैं, हर रूम का अलग अलग डिक्लेयर टैरिफ होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा टैरिफ पे जो भी लगा होता है उस पर हम डिस्काउंट भी मांगते हैं। बिल्कुल, तो हम लोगों को ये डिस्काउंट भी दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है सर, और अब ना मान लो हर लोगों को ना एक एक्स्ट्रा बेड चाहिए था, तो क्या एक्स्ट्रा बेड के लिए चार्जेस भी लगते हैं? तो वो भी उन्होंने बता दिए। ठीक है सर, अब मेरा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, सोच के बताना। डिक्लेयर टैरिफ 900 था, 30% डिस्काउंट, तो 270 रुपए डिस्काउंट, तो इसका मतलब अगर मैं 270 लेस कर दूं तो क्या ये 630 रुपीज आ गया? ठीक है सर, और 200 रुपए एक्स्ट्रा बेड के हो गए, तो फिर वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी हो गई? सर 830 रुपए। अच्छा, ये है वैल्यू ऑफ सर्विस। बिल्कुल, और अगर ये वैल्यू ऑफ सर्विस अप टू 1000 रुपए है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जहां ये 1000 रुपए से ऊपर गया क्या सब्जेक्ट टू जीएसटी हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए, हम कर लेंगे अपने आप। ठीक है सर, वेरी गुड। तो हमने रेंटिंग ऑफ इमोवेबल हमने सेकंड नंबर पे पिक करी है और उसकी दो मेगा एग्जम्पशन हमने खत्म कर दी, 12 और 14। ठीक है सर, अब हम करेंगे एंट्री नंबर 13। ये भी किस पर है सर? मेगा एग्जम्पशन पर है। ठीक है जी, ठीक है सर,
ठीक, फिर इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। चलो सर, अब रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस। देखिए क्या होता है, एंट्री नंबर 13 क्या कहती है, बड़े ध्यान से समझना है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सर्विसेज दी जा रही है बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्टिंग ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी पंडित हैं, पुरोहित हैं या जो भी इस तरह का काम करते हैं, क्या वो एक सर्विसेज दे रहे हैं रिलेटेड टू रिलीजियस सेरेमनी? बिल्कुल, आपके घर में जागरण है तो डेफिनेटली आपने पंडित को बुलाया होगा, वो पंडित ने आपसे 2100 रुपये 1100 रुपये फीस चार्ज करी, उस पर GST नहीं लगेगा, ये एंट्री नंबर 13 कहती है। ठीक है सर, इसके अलावा अगर मैं ये पूछूं आपसे, क्या गुरुद्वारे मंदिर क्या इन्होंने अपनी जगहों को क्या ये रेंट पे भी देते हैं? हाँ सर देते हैं। तो जब भी ये रेंट पर देते होंगे अपनी उन जगहों को जो मंदिर के अंदर का पार्ट होता है, तो क्या इनको किराया मिलता होगा? हाँ सर। तो जो भी इनको किराया मिलता होगा ना, वो भी एग्जम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। देखो क्या कहते हैं, रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस। अब ये रिलीजियस प्लेस कौन सा होता है जो कि मेंट फॉर जनरल पब्लिक होता है? ठीक है ना, जितने भी रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक होते हैं, अगर उन रिलीजियस प्लेस को किराए पे दे दिया जाता है उनके प्रेसेंट्स को, जो कि ओन्ड और मैनेज्ड होना चाहिए बाय द एंटिटी रजिस्टर्ड एज चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट या ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन अंडर दिस सेक्शन या बॉडी अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन, अगर वो इन सब में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो मान लो कोई ऐसा मंदिर है जो कि ओन्ड बाय HUF है, एक फैमिली है जो कि इनमें से कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको ये छूट नहीं मिलेगी। याद रखना, वो रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक होना चाहिए और वो रन या मैनेज्ड होना चाहिए बाय 1, 2, 3, तो उसका जो रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स होगा वो एग्जम्प्ट हो सकता है। लेकिन आगे लॉ क्या लिखता है, प्रोवाइडेड नथिंग शेल एप्लीकेबल, मतलब हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। कब? अगर रेंटिंग ऑफ रूम किया जा रहा है वेयर चार्जेस 1000 रुपए या उससे ज्यादा पर डे। इसका मतलब आपने कई बार देखा होगा कि बड़े सारे गुरुद्वारे जो है ना, उन्होंने बड़े सारे रूम्स बना देते हैं वो लोग, क्योंकि वहां पे कई बार फॉरेनर्स आ जाते हैं, 2-4-5 दिन रहने आ जाते हैं। तो अगर उन रूम का किराया 1000 रुपए या 1000 रुपए से ज्यादा है पर डे, तो वो टैक्सेबल होगा, अंडर GST आएगा। ठीक है सर। अगर वो रेंट कर रहे हैं प्रीमाइसेस या कमर्शियल हॉल्स या कल्याण मंडपन, ठीक है जी, या फिर कोई भी ओपन एरिया, आजकल देखा होगा आपने कई लोग तो गुरुद्वारे के अंदर शादियां कर देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा ओपन एरिया ही आपको दे देते हैं, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे मान चल रहे हैं कि टैक्सेबल हो जाएगा अगर 10,000 या उससे ज्यादा पर डे अगर उसका चार्ज हुआ तो। रूम का 1000 या उससे ऊपर हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा, और ओपन एरिया का 10,000 पर डे या उससे ऊपर हुआ तो चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि इन रिलीजियस प्लेसेस के अंदर, जैसे मैं आई एम नॉट श्योर बट मैं इसको प्रज्यूम कर रहा हूं कि वैष्णो देवी के अंदर जब हम जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे ना बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। अगर मैं ये कहूं कि वो सारी दुकानें खुद श्राइन बोर्ड ने किराए पे दिया है, तो उनको वहां से भी रेंट आ रहा होगा। बिल्कुल। तो वो जो रेंटिंग ऑफ शॉप्स या अदर स्पेसेस या फॉर बिजनेस या कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो दिया गया है, वेयर चार्जेस 10,000 और मोर पर मंथ है, याद रखना शॉप्स के केस में 10,000 पर डे नहीं हो सकता, वो पर मंथ है। ठीक है सर। अगर हॉल दिया गया 10,000 या उससे ज्यादा पर डे, टैक्सेबल हो जाएगा। रूम दिया गया 1000 या उससे ऊपर पर डे, टैक्सेबल हो जाएगा। और शॉप दी गई है 10,000 या उससे ऊपर पर मंथ, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? अब मेरा क्वेश्चन है, क्या रिलीजियस प्लेसेस जितने भी हैं विच आर मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड बाय 1, 2, 3, रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स देयर ऑफ क्या एग्जम्प्ट होती है एज पर एंट्री नंबर 13? तीन एक्सेप्शन है, रूम रेंट 1000 पर डे या उससे ऊपर हुआ टैक्सेबल, हॉल का या ओपन एरिया का 10,000 पर डे या उससे ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, शॉप का 10,000 पर डे या पर मंथ? पर मंथ। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। अब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, आई एम वेरी श्योर इसको पढ़ते ही एंट्री नंबर 13 पूरी समझ आ जाएगी हमें। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं आपको सारा क्लियर है यहां तक। और ये हम पढ़ रहे हैं रेंटिंग से रिलेटेड सर्विसेज को। ठीक है जी। ठीक है सर, चलिए ये क्वेश्चन अब आपने अटेम्प्ट करना है बच्चे। कहते हैं कि
मुक्तांगन चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, ओन करती है एक रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। रेंट उसको मिला बाय रेंटिंग टू पिलग्रिम्स 800 रुपए पर डे, टोटल रेंट आया 5 लाख, नॉट टैक्सेबल। अप टू 1000 रुपए या 1000 से ऊपर होता तो क्या ये टैक्सेबल होता। यहां पर ना वैसे टेक्निकली इसमें एक मिस्टेक है, बताऊं कैसे। देखो ये अमेंडमेंट आएगी, आप चेक कर लेना, नोट कर लेना मेरी बात को। क्या हुआ यहां पर भी ना, क्या होता था, बिलो 1000 तक एग्जम्प्ट होता था एंट्री नंबर, और 1000 या उससे ऊपर टैक्सेबल होता था। इसीलिए यहां पर भी 1000 या उससे ऊपर टैक्सेबल होता था। गवर्नमेंट ने यहां तो चेंज कर दिया कि अप टू 1000 अब एग्जम्प्ट होगा, लेकिन अब गवर्नमेंट को यहां पे भी चेंज करना चाहिए था, यहां लिखना चाहिए था चार्जेस अबव 1000 पर डे होगा तो ही टैक्सेबल होगा। बट एनीवेज ये चेंज होएगा इन फ्यूचर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जब आप एंट्री नंबर 14 पढ़ेंगे तो अप टू 1000 एग्जम्प्ट है, लेकिन रिलीजियस वालों के लिए 1000 रुपए या उससे ऊपर पर डे टैक्सेबल है, ये हो नहीं सकता, आप समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब यहां पे एक एरर है, ये ठीक होएगा आगे, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन आएगा। और यहां पे चार्जेस अबव 1000 पर डे ही टैक्सेबल होगा, 1000 और मोर पर डे पे, यानी कि 1000 पे टैक्सेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। जब आप होटल इनको 1000 रुपए तक छोड़ रहे हो तो इनको क्यों पकड़ रहे हो, है ना। ठीक है सर, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है, 1000 रुपए से नीचे ही है। ये शॉप दिया है उसने 15,000 रुपए पर मंथ है बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 10,000 पर मंथ तक का था। रेंटिंग ऑफ हॉल दिया है 7500 रुपए पर डे, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। और रूम दिया है टू डिवोटीज 900 रुपीज पर डे, ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको एंट्री नंबर 13 भी क्लियर है। तो आपको 12, 13, 14 तीनों एंट्रीज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल से रिलेटेड डन, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो जी अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पे, इतनी इंपॉर्टेंट है ये, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है जी। तो ये तीसरा हम लोग एक ग्रुप उठाने जा रहे हैं जिसमें वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी कौन कौन सी मेगा एग्जम्पशन इसमें कवर होंगी। अच्छा इसको करने से पहले मैं साथ में ना लिस्ट भी बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हम क्या क्या कर चुके हैं, ठीक है। 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद कलर चेंज कर देता हूं मैं, 12, 13, 14 आई होप सो क्लियर ना। 61, 62, 63, 64, 42, 65, 47 ये जो ब्लैक है वो सारा गवर्नमेंट वाला है, और 12, 13, 14 किसका है, रेंटिंग का, ठीक है जी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर यूनियन टेरिटरी। देखिए मैं ना कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा आपके साथ यूट्यूब पे, ठीक है ना, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको डेप्थ में ही पढ़ाऊं ताकि आप लोगों को उसका बेनिफिट भी हो, ठीक है ना। चलिए अब हम एक नई सर्विस उठाने जा रहे हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर मैं पैसेंजर से रिलेटेड बात करूंगा और यहां पे मैं गुड्स से रिलेटेड बात करूंगा, ठीक है जी। और साथ में हम आरसीएम भी साथ में कवर अप करेंगे। आरसीएम में अभी तक मैं आपको 5 और 5A करा चुका हूं, ठीक है जी। और आरसीएम के अंदर हम एक इसके अंदर और अभी ऐड करेंगे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल भी हमारा हो गया, ठीक है सर। अब आ जाओ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे, ठीक है जी। ठीक है सर, चलिए पैसेंजर पे चलते हैं पहले। एंट्री नंबर 15, ठीक है जी, 16, 17, 15, 16, 17, यानी कि हम यहां पर 15, 16, 17 तीन एंट्रीज को बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर,
तो पहले 15 को समझते हैं, आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद विदाउट अकंपनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो आपकी जो सर्विसेज हैं बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उस पर आपको एयर फ्रेट तो लगेगा बट उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कब? अगर आप एम्बार्क या टर्मिनेट करते हैं किसी भी ऐसे एयरपोर्ट पर जो लोकेटेड होना चाहिए इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या बागडोगरा, वेस्ट बंगाल। देखिए, गवर्नमेंट ना टूरिज्म बढ़ाना चाह रही है इन सब जगहों का, तो अगर कोई भी व्यक्ति यहां से चढ़ रहा है या यहां पे टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि अगर मैं दिल्ली से मान लो यहां से मुझे दार्जिलिंग जाना है तो आपको पहले बागडोगरा जाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल, फिर वहां से आप आ जाओगे, तो इसका मतलब मेरा टर्मिनेशन कहां पे हुआ? बागडोगरा। तो गवर्नमेंट, और जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा एम्बार्केशन कहां से हुआ? बागडोगरा। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? एम्बार्क या टर्मिनेशन अगर इनमें से किसी भी एयरपोर्ट पे हो रहा है तो आपके फ्रेट पर हम जीएसटी नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप कभी भी देख लेना कि इन जगहों का जो एयर फेयर होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है बिकॉज ऑफ कि उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है सर। या फिर कोई नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिएजेस अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग फॉर टूरिज्म कंडक्टेड टूर्स, चार्टर्स या हायर्स। देखिए, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज, ठीक है ना, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज देखिए दो होते हैं, एक होता है स्टेज कैरिएज, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज। स्टेज कैरिएज क्या होता है? जो स्टेजेस बने होते हैं, जिसके स्टॉपेजेस बने होते हैं, जो हर स्टेज पे अपने आप जाके रुकता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज में क्या होता है? उसका ना ओरिजिन से चलेगा, डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वो बीच में अगर खाने के लिए रुक रहा है, वॉशरूम के लिए रुक रहा है, तो उसको स्टेज कैरिएज नहीं बोलते हम। स्टेज कैरिएज का मतलब होता है जो स्टेजेस बने हुए, उसके फिक्स स्टेजेस हैं, उसको वहीं पे रुकना ही रुकना है, पैसेंजर पिक करने हैं, पैसेंजर को ड्रॉप करना है, तो वो स्टेज कैरिएज होते हैं। और इनके अलावा जो भी कैरिएजेस को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज। ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरू कैब क्या है, मेरू कैब, ओला कैब, ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज है। ठीक है सर। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज होगा तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा अदर देन रेडियो टैक्सी, लेकिन अगर वो रेडियो टैक्सी है तो वो टैक्सेबल है। रेडियो टैक्सी क्या होती है सर? सर, जिसके अंदर अगर आपने देखा हो तो जीपीआरएस लगा होता है, उसको बोलते हैं रेडियो टैक्सी। ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर्स, चार्टर, हायर्स। इसका मतलब अगर वो किसी टूरिज्म पर्पसेस के लिए या आपने घूमने के लिए या कोई टूर लगाने के लिए अगर हायरिंग करी होगी तो नॉन एसी भी टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए, एसी तो टैक्सेबल होता ही है, नॉन एसी का कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज एग्जम्प्ट हो सकता है फ्रॉम जीएसटी, प्रोवाइडेड वो रेडियो टैक्सी नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड वो इन पर्पसेस के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब वो होना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चाहिए, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज होना चाहिए जिसमें बीच में स्टेजेस ना आए। और अगर उसमें स्टेजेस आ रहे हैं अदर देन एसी तो भी वो एग्जम्प्ट होता है। तो मेरा क्वेश्चन है, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज मेंट फॉर पब्लिक या नॉन एसी स्टेज कैरिएज मेंट फॉर पब्लिक, क्या ये हमेशा एग्जम्प्ट रहेंगे? नॉन एसी होना चाहिए, प्रोवाइडेड अदर देन रेडियो टैक्सी। ठीक है सर। सर, अगर एसी होता तो सर अंडरस्टूड है ना, एंट्री नंबर 15 में नहीं आता, वो कहीं और आएगा या नहीं आएगा वो भी हम चेक कर लेंगे। 15 में फिलहाल किस किस को छोड़ा? अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाय एयर जिसकी एम्बार्केशन या टर्मिनेशन इनमें से किसी एक एयरपोर्ट पे हो रही है, या फिर आप नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज अदर देन रेडियो टैक्सी अदर देन फॉर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर एक्सक्लूडिंग दिस, या स्टेज कैरिएज अगर नॉन एसी है तो भी, क्या हम उसको एंट्री नंबर 15 से एग्जम्प्ट कर देंगे? बिल्कुल सही है सर। तो अब मेरा क्वेश्चन है, डीटीसी की बस में मैं जा रहा हूँ, स्टेज कैरिएज है, वो नॉन एसी है, तो उस पर टिकट तो लगेगी बट उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है सर। यहाँ पर आपने सर एयर करा दिया और सर आपने नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज और आपने स्टेज कैरिएज, ये सब कवर कर दिया आपने। ठीक है जी। चलिए अब हम चलेंगे एंट्री नंबर 16 पे। ये देखते हैं आपने,
ठीक है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। ये मैं आपको ना पहले इसका बैकग्राउंड ले देता हूँ, ये क्या है। देखिए इंडिया में ना गवर्नमेंट मोदी जी का एक ड्रीम है, जिसके अंदर मोदी जी ये चाहते हैं कि हर आदमी बाय एयर ट्रैवल करे, ये वो चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो क्लास क्या है, वो रिच है पुअर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने ना एक स्कीम निकाली थी, उड़ान, उड़ेगा अब आम नागरिक, उड़ान स्कीम थी वो। इस स्कीम को ना हम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी बोलते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हर छोटे छोटे शहरों में रीजनल कनेक्टिविटी बाय एयर की जाए और वहाँ पे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जाएं और उन एयरपोर्ट से हम कनेक्टिविटी कर सके। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि क्योंकि जहाँ पर हम जोड़ने की बात कर रहे हैं वहाँ पर लोगों का पोटेंशियल टू पे बहुत कम है, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर अगर पोटेंशियल टू पे कम है तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट के लिए जो पैसेंजर होंगे वो भी बहुत कम होंगे। बिल्कुल सही है। तो एयरक्राफ्ट कंपनीज ना उन जगहों में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी कि हम वहां पर क्यों जाएं, क्योंकि जब हमें काम ही नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा, तो फिर हम वहां पर अपनी उड़ान क्यों भरेंगे। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई कि अगर ये ड्रीम पूरा करना है तो क्या गवर्नमेंट को आपको कुछ फंडिंग करनी पड़ेगी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट ने कहा कि आप मुझे एक सर्विस दो। कैसी सर्विस? कि आप उन रीजनल कनेक्टिविटीज के लिए स्पेसिफाइड एयरपोर्ट्स पर आप अपनी उड़ान भरो और हम क्या करेंगे, बदले में आपको कुछ कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है जी। और वो जो भी कॉम्पनसेशन हम आपको देंगे ना, वो कॉम्पनसेशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, तो सर अब यहां पे ना दो बातें हैं। जैसे मान लो स्पाइस जेट है, अब स्पाइस जेट कहता है कि ओके फाइन, इस स्कीम के अंदर मैं आऊंगा, और गवर्नमेंट ने उसको ये भी बोल दिया कि भैया तुम पैसेंजर से ना 2500 से ऊपर टिकट नहीं लोगे, टिकट प्राइस 2500 से ऊपर नहीं होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है, स्पाइस जेट 2500 रुपए में फ्लाइट उड़ा रहा है, लेकिन उसको कहता है कि सर 2500 रुपए मेरी पूर्ति नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो बैलेंस होगा ना वो हम तुझे पे कर देंगे। अच्छा ठीक है सर, तो अब यहां पर मुझे बताओ, स्पाइस जेट के पास पैसा दो जगह से आ रहा है, एक तो पैसेंजर से आ रहा है और एक गवर्नमेंट से आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि स्पाइस जेट इज गिविंग सर्विसेज टू टू पीपल नाउ, टू द पैसेंजर एंड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ही क्या वो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में अपने आप की उड़ान भराएगा, ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, पैसेंजर से जो आप पैसा लोगे ना उस पर तो आप जीएसटी लगाओ, लेकिन हमसे जो पैसा लगोगे ना वो एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 16 में। लेकिन कब तक, अब देखो जरा ध्यान से, फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि 3 साल तक इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये उन्होंने बोल दिया। तो आप एक से पढ़ के देखेंगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकॉम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर embarking terminating at regional connectivity scheme airports against consideration in the form of viability gap fund. भाई अगर मैं काम करूंगा तो वो viable नहीं है, और उसका जो उसको viable बनाने के लिए क्या वो जो gap था, क्या वो सरकार उनको दे रही थी। For 3 years from the date of commencement, government ने कहा इस पर GST charge नहीं किया जाएगा, ये एक सरकार ने कह दिया। उम्मीद करता हूँ clear to everyone, क्या मैं इसको lock कर सकता हूँ? ठीक है सर, तो इसको आप ना उड़ान ऐसे बोल लो, उड़ेगा अब आम नागरिक, ठीक है जी। ठीक है सर, अब आ जाओ एंट्री नंबर 17 में, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज, ठीक है सर। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज में एंट्री नंबर 17 पढ़नी है ध्यान से, क्या कहता है, अगर सर्विसेज बाय रेलवेज, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज दे रही है, यस, इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास या एसी कोच, यानी कि स्लीपर हो गया, जनरल क्लास हो गया, उसकी टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एसी कोच में या फर्स्ट क्लास में जा रहे हो तो आपकी टिकट पर जीएसटी लगता है, ठीक है सर।
मेट्रो से जा रहे हो, मोनोरेल, ट्रामवेज, जीएसटी नहीं लगेगा। इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, दो सपोज करो गुजरात पोर्ट और मुंबई पोर्ट, ये दो एरियाज को कनेक्ट करेगा इनलैंड वाटरवेज। वाटर कनेक्टिविटी होती है जो दो लैंड एरियाज को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली मेंट फॉर टूरिज्म पर्पसेस होगा इन वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है जी, बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, अगर आप वेसल के थ्रू एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए अदर देन प्रीडोमिनेंटली मेंट फॉर टूरिज्म, टूरिज्म पर्पस नहीं होना चाहिए। सर टूरिज्म पर्पस क्या होता है सर? सर अब कई बार क्या होगा, अगर आप देखोगे ना तो अब दिल्ली गोवा टू मुंबई हमारा एक वेसल चलता है, बट उसका ऑब्जेक्टिव आपको घुमाना होता है, टूरिज्म होता है, तो उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है सर। मीटर्ड कैब जितनी भी होती हैं सर, मीटर्ड कैब और रेडियो टैक्सी में फर्क होता है याद रखना, एक्सक्लूडिंग रेडियो टैक्सी। मीटर्ड कैब्स अगर आपको याद हो तो पहले होती थी ब्लैक कलर की कैब होती थी, शायद आज भी मुंबई में चलती है, जिसमें येलो पट्टी होती है, जिसके आगे मीटर लगा होता है और मीटर को डाउन करके चलता है। तो मीटर्ड कैब्स या फिर कोई भी ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा, इन सब में हमें जीएसटी नहीं लगता, ठीक है जी। सर इसको अब लर्न करना है, मैं आपको फटाफट से याद कराता हूँ कैसे। बाय एयर एम्बार्किंग या टर्मिनेटिंग स्पेसिफाइड प्लेसेस, ठीक है सर। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, नॉन एसी स्टेज कैरियज, ठीक है सर। इसके अलावा रेलवेज अदर देन फर्स्ट क्लास या एसी कोच, ठीक है सर, या फिर हमारी मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, मीटर्ड कैब अदर देन रेडियो टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या इनलैंड वाटरवेज, अगर हम थ्रू वेसल भी जा रहे हैं बिटवीन द प्लेसेस इन इंडिया, तो भी उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ तीन एंट्रीज हमारे इसमें पिटारे में ऐड और हो गई, ठीक है सर, ठीक है जी। अब कितनी हो गई देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ओके। चलो अब ये है बड़ा भयंकर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है जी। इसमें हम एंट्रीज चेक कर लेते हैं, 18, 19, 19A, 19B, 20, 21 और उसके बाद 21A, 21B, ओ भाई साहब 22, सर बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा, चार चार घंटे की क्लास हम लेते हैं तीन, तब जाके मेगा एग्जामिनेशन खत्म होता है। मैं तो आपको डेढ़ डेढ़ घंटे की तीन क्लासेस में विद ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम 18 ऑनवर्ड पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे, 19A पढ़ेंगे, 19B पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे, ठीक है, 21A पढ़ेंगे, ऐसे तो हम सीक्वेंस पढ़ने जा रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा देखने में लग रहा है, ठीक है। बस आप नोट्स की फोटो कॉपी लेते रहिएगा, मतलब फोटो खींचते रहिएगा, ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब हम आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे। देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंट्री नंबर 18 क्या कहती है, ध्यान से सुनो। अगर तो आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड कर रहे हो या बाय इनलैंड वाटरवेज कर रहे हो तो ये एग्जम्प्ट होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड थ्रू जीटीए है, याद रखना जीटीए है, जीटीए क्या फुल फॉर्म क्या होता है बोलो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। अब जीटीए की डेफिनेशन दी हुई है उन्होंने, जो ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को बाय रोड और इशू करता है कंसाइनमेंट नोट इन एनी मैनर। इसका मतलब अगर आप बिना कंसाइनमेंट नोट के ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो आप जीटीए नहीं हो, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा हम रिक्शे पे सामान भेज देते हैं, ठीक है ना, या बुलक कार्ट पे सामान भेज देते हैं, तो वो जीटीए नहीं है। हालांकि वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है, बट वो जीटीए नहीं है। जीटीए कब होगा, जब वो क्या इशू करता है, कंसाइनमेंट नोट, ठीक है सर, या कोरियर एजेंसी। कोरियर एजेंसी क्या होती है, जो डोर टू डोर होती है, यानी कि डोर टू डोर अगर आपको गुड्स की डिलीवरी दी जा रही है तो उसको बोलते हैं कोरियर एजेंसी। अब वो क्या कह रहा है कि अगर ये दो सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है जी, और इन सर्विसेज के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर हो रहा है तो इन पे टैक्सेबिलिटी आएगी, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड और इनलैंड वाटरवेज एग्जम्प्ट होता है।
यानी कि सर अगर पेपर में आ जाए कि बताओ एनी सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए क्या टैक्सेबल है, आंसर इज यस। क्या सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कोरियर एजेंसीज क्या टैक्सेबल है, आंसर इज यस। ठीक है जी, जीटीए याद रखना घर से घर पे डिलीवरी नहीं देता, वो अपनी जीटीए का एक प्लेस होता है, वो वहां से ट्रक चलता है और अपनी जगह पे ट्रक उतर जाता है, वो आपके घर तक डिलीवर नहीं करता। कोरियर में होम टू होम डिलीवरी होती है, लाइक अमेज़न। अमेज़न कौन सी सर्विसेज लेता होगा आप तक घर पहुंचाने की सामान को, जीटीए या कोरियर? कोरियर। ठीक है सर, तो बाय रोड और इनलैंड वाटरवेज दोनों एग्जम्प्ट है, और बाय रोड में दो छोड़कर जीटीए टैक्सेबल है और कोरियर एजेंसी सर्विसेज भी टैक्सेबल है। ठीक है सर, एंट्री नंबर 19, सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट। सर अभी हमने पढ़ा पहले इनलैंड वाटरवेज, फिर हमने पढ़ा रोड, और अब हम पढ़ रहे हैं एयरक्राफ्ट। ठीक है सर, फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, मतलब अगर कोई एयरक्राफ्ट भारत में आ रहा है, आराम से पढ़ेंगे, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो एयरक्राफ्ट जो था वो आ कहां से रहा था, आउटसाइड इंडिया से, अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। ठीक है जी, तो क्या सर मैं इसको ऐसे बोल दूं, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट हो रही है तो इंपोर्ट अगर बाय एयर हो रही है तो एयर का जो फ्रेट होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, यही कह रहे हो आप? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। ठीक है जी, इंपोर्ट हुआ है गुड्स का बाय एयर और एयर के फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है सर, 19A 19B, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट क्या आई है, पहले ना ये 30 सितंबर 2019 तक एप्लीकेबल था, अब ये 2020 तक हो गया है। क्या ये, मैं आपको बता देता हूं, सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि एक्सपोर्ट पे भी अगर आप बाय एयर करोगे तो उस पर फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आप सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया टू अ प्लेस, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ऑफ गुड्स बाय वेसल तो भी यहां पर जीएसटी नहीं लगेगा फ्रेट पे, लेकिन 30 सितंबर 2020 तक की लिमिट है, उसके बाद ये लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया हो गया सर आप। अच्छा मैंने ये कहा एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगेगा ना, मैंने बोला एक्सपोर्ट करने के लिए आपने डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस ली होगी, या तो बाय एयर या बाय वेसल, दोनों के फ्रेट पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। इंपोर्ट पे नहीं लगेगा ये 19 ने कहा, और एक्सपोर्ट पे नहीं लगेगा क्या ये 19A और 19B ने कहा। ठीक है सर, आपने अभी तक नोटिस करा, मैंने, चलो मैं अभी पहले चार्ट बनाऊंगा तभी आपसे पूछूंगा, अभी पहले इसको खत्म करते हैं। ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट 2021। ठीक है जी, बट मैं अब एक काम कर लेता हूं पहले, ठीक है 2021A, ये करने से पहले ना एक छोटा सा ना आप चार्ट ही बना लो जरा, जितना मैंने पढ़ाया ना उसके बेसिस पर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है ना, बनाओ रोड, एयर, वाटर, रेलवेज, ये चार्ट पहले आप बना ही लो जरा, तभी मजा आएगा आपको। ठीक है जी, रोड, एग्जाम होता है, अदर देन जीटीए, कोरियर एजेंसी, ये मुझे 18 ने बताया। सर इनलैंड वाटरवेज भी एग्जम्प्ट होता है, ये मुझे 18 नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, एयर, अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कस्टम स्टेशन इन इंडिया तो 19 कहता है उस फ्रेट पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है जी, और
19A कहता है कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी करोगे ना तो भी फ्रेट पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा एक बात, अब मैंने कहीं पे भी ये बोला, लोकल दिल्ली से मुंबई अगर माल भेजना हो तो ना तो वो 19 में आता है, ना 19A में आता है, ना 19B में आता है। बिल्कुल सही है सर। वेसल से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो क्या 19B में एग्जम्प्ट हो जाएगा? ठीक है सर। रेलवे को अभी तक हमने एग्जम्प्ट नहीं करा, ध्यान रखना। इसका मतलब अगर कोई गुड्स रेलवे से आ रही है तो क्या वो फिलहाल टैक्सेबल है? ठीक है, तो मैं आपको ना यहाँ पर अब कुछ निकाल रहा हूँ बाहर जो मुझे यहाँ तक समझ आता है। सर जितना आपने कहा रेलवे टैक्सेबल है, GTA टैक्सेबल है सर, वेसल के अंदर अगर हम एक्सपोर्ट को छोड़ दें, अगर हम एक्सपोर्ट को छोड़ दें, लोकल मूवमेंट टैक्सेबल है, एयर का भी लोकल मूवमेंट टैक्सेबल है। ठीक है सर, अगर आपको इतना समझ आ जाता है तो ही आपको अगली एंट्री समझ आएंगी, नहीं तो समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, नहीं समझ आ गया सर? ठीक है ना। अब रेलवे और वेसल और GTA इन तीनों पे जिक्र करने जा रहा हूं, क्योंकि फिलहाल कंक्लूजन ये निकला कि ये तीनों टैक्सेबल है। ठीक है ना। अब देखो, रेलवे वेसल के लिए 20 नंबर एंट्री में कुछ एग्जम्पशन आ रही है और GTA के लिए 21 में एग्जम्पशन आ रही है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हो जो अभी तक टैक्सेबल हो रहे थे क्या उनमें भी एग्जम्पशन आएंगी? बिल्कुल आएंगी 2021 में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको आपको नोट्स बनाना है और दो बार कम से कम पढ़ोगे तब जाके ये चैप्टर आपको ऐसा समझ आएगा कि आपको, मैंने पहले ही बोला, सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा लेकिन ये चैप्टर दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक है सर। अब देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेलवे और वेसल के थ्रू, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। यानी कि इन्होंने स्पेसिफाइड गुड्स के लिए, सिर्फ याद रखना कैसे वर्ड यूज करेंगे, स्पेसिफाइड गुड्स, इन्होंने कहा रेलवे और वेसल में अगर स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा तो वो हम एग्जम्प्ट कर देंगे एंट्री नंबर 20 में। अब वो स्पेसिफाइड गुड्स कौन सी है वो मैं आपको लर्न करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर या एक्सीडेंट। देखिए, अब मान लो कहीं पे हमारी कंट्री में किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई अर्थक्वेक आ जाता है और वहां पे डिजास्टर हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो क्या कंट्री के हर कोने कोने से क्या वहां के विक्टिम्स के लिए रिलीफ मटेरियल भेजा जाता है? अब वो बाय ट्रेन जा रहा होगा, बाय वेसल जा रहा होगा, तो वो एग्जम्प्ट होगा, उस पे भाड़ा लगेगा बट उस भाड़े पे GST नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ये मैं कई बार बच्चा सोचता है कि मैं ये बोल रहा हूँ भाड़ा ही नहीं लगेगा, सर मैं GST पढ़ा रहा हूँ ना, तो GST नहीं लगेगा उस पे। ठीक है सर। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन होता है अगर बाय ट्रेन या बाय वेसल, उसके फ्रेट पर GST नहीं लगता। न्यूज़पेपर या मैगजीन्स का भी GST नहीं लगता। रेलवे इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स को अगर ट्रांसपोर्टेशन कराया जा रहा है उस पर भी GST नहीं लगता। डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, इनके ट्रांसपोर्टेशन पर GST नहीं लगेगा, ये एंट्री नंबर 20 ने कहा फॉर ट्रेन और वेसल्स के लिए। रेलवे और वेसल्स मैं रिपीट करूंगा, आराम आराम से देखना है, इसको हम लर्न करना है हमें। ठीक है ना। पहले नंबर पे है रिलीफ मटेरियल फॉर द विक्टिम्स, दूसरे नंबर पे कौन है सर, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तीसरे नंबर पे कौन है सर, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स। ठीक है सर। चौथे नंबर पे कौन है सर, अगर कोई भी रेलवे से रिलेटेड इक्विपमेंट या फिर डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर फूड ग्रेन्स, मिल्क या सॉल्ट, और फूड ग्रेन्स में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, पल्सेस, फ्लोर, राइस।
इनकी ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ये बताया गया वाया एंट्री नंबर 20। ठीक है सर, अब एंट्री नंबर 21 क्या कहती है वो सुन लेना। सर इन्होंने क्या किया, जो लिस्ट यहां पर दिया गया था कॉपी पेस्ट कर दिया 21 में फॉर जीटीए ऑल्सो, एक को छोड़कर, और वो था रेलवे इक्विपमेंट्स। अच्छा, तो जरा जीटीए में कौन कौन सी गुड्स होंगी जिनकी ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी नहीं लगेगा बताओ। सर आपने कहा रेलवे इक्विपमेंट छोड़कर, तो सर देखो विक्टिम्स के लिए अगर जाएगा तो एग्जाम होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम होना चाहिए, न्यूज़पेपर या मैगजीन एग्जाम होना चाहिए, डिफेंस मटेरियल एग्जाम होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जाम होना चाहिए, और अगर फूड ग्रेन्स जा रहे हैं या फिर मिल्क जा रहा है या सॉल्ट जा रहा है, फूड ग्रेन्स में कौन कौन आएगा, राइस भी आएगा, पल्सेस भी आएंगे, फ्लोर भी आएंगे, क्या ये एग्जाम जीटीए में भी होता है, सिर्फ एक छोड़कर कौन सा, सर रेलवे इक्विपमेंट्स। ठीक है सर, और रेलवे इक्विपमेंट अगर रेल से जा रहा है तो एग्जाम, रेलवे इक्विपमेंट अगर वेसल से जा रहा है तो एग्जाम, क्या 2021 क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है सर, सर 20 तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन अब 21 में एक बात और कही गई, वो सुनो क्या। 21 में उन्होंने कहा कि जो स्पेसिफाइड गुड्स अदर देन रेलवे इक्विपमेंट्स 20 के लिए एग्जाम थे, क्या वो 21 पे भी एग्जाम थे? हाँ सर, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि इनके अलावा कोई और गुड्स भी अगर बाय जीटीए जा रहे हैं तो उसको भी छूट मिल सकती है, यानी कि जीटीए में स्पेसिफाइड गुड्स तो एग्जाम है ही है, उसके अलावा भी एग्जाम्पशन मिल सकती है। आंसर इज यस। अब वो कहां मिलेगी वो देखना है आपने। Where consideration charged for transportation of goods on a consignment transported in a single carriage up to 1500, क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे vehicles होते हैं goods carriage के लिए, ठीक है ना, अगर वो single carriage है, single carriage समझते हैं ना, मतलब single carriage का मतलब एक ही सामान, एक ही trip है बस, और अगर वो 1500 रुपए तक का चार्ज कर रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो बड़ा ट्रक है तो वो कहता है एनी गुड्स वेयर कंसीडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर सिंगल कंसाइनी इज अप टू 750। ध्यान रखिएगा, सिंगल कैरियज 1500 तक, सिंगल कंसाइनी 750 तक। तो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से सुनना, एक ट्रक में 10 कंसाइनीज का माल है तो किन कंसाइनीज पे जीएसटी नहीं लगेगा, जिनका भाड़ा अप टू 750 होगा। ठीक है सर, एक ट्रक में एक ही आदमी का माल है उस पर नहीं लगेगा अगर वो फ्रेट अप टू 1500 है। बहुत बढ़िया सर, तो ये हमारा एंट्री नंबर 21 जीटीए भी खत्म हो गया। ठीक है जी, तो आई वुड लाइक कि इसको एक बार आप जीटीए को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जीटीए में बस आपने ध्यान रखना कि सारा कुछ सेम है रेलवे इक्विपमेंट छोड़कर, और उसके अलावा बाकी भी गुड्स पर छूट मिल सकती है, अगर सिंगल कैरियज होगा तो 1500, सिंगल कंसाइनी होगा तो 750 तक का अगर भाड़ा हुआ तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ये एंट्री नंबर 21 ने हमें बताया। अब इस पर एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिमाग से स्किप कर जाएगा। ठीक है जी, और जैसे ही मैं ये खत्म करा दूंगा एग्जाम्पल, हमारा यहाँ पर लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 18 खत्म, 19 खत्म, 19A, 19B, 20, 21। आई होप सो यू कैन सी, बहुत जल्दी जल्दी हमारा ये सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारे हमारे और हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एजम्पशन और हो जाएंगी अगर हम ये क्वेश्चन कर लें तो। करें स्टार्ट? ठीक है सर, सर मैं आपको वैसे बता दूं कि ये क्लासेस जो मैं आपको दे रहा हूँ इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, मेरे को पूरा पूरा दिन चला जाता है मेरा, क्योंकि आपको जो ये 2 घंटे की क्लास लगती है ना, ये एक्चुअली में 5 घंटे की क्लास होती है, क्यों, पहले 3 घंटे में पहले लिखता हूँ ताकि लिखने में हमारा समय व्यर्थ ना हो, अगर मैं लिखूंगा भी आपके साथ साथ तो इट विल टेक 5 आवर्स। तो आप समझ लीजिए कि सुबह 7 o'clock में उठता हूँ, पहले सारा लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, तो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम आई एम गिविंग फॉर ऑल दीज क्लासेस। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं बस 2 मिनट में बनाता हूँ और आपको दे देता हूँ, इट इज़ नॉट प्री रिकॉर्डेड ऑल्सो, नहीं रिकॉर्ड करता हूँ मैं आपके लिए फॉर यू ऑल, जिससे आपका बेनिफिट हो, एग्जाम हो अच्छा हो, आपका एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है ना, तो आई वॉन्ट यू पीपल कि प्लीज़ थोड़ा सा जिस तरह से अगर मैं काम कर रहा हूँ आप भी करेंगे तभी जाके ये बात बनेगी, अदरवाइज ये यूजलेस हो जाएगा सब कुछ। ठीक है जी, ठीक है सर, आइए मेरे साथ क्लास देखते हैं ये वाला क्वेश्चन।
डिस्कस वेदर जीएसटी पेबल इन रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑफ जीटीए. जीटीए का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, सर एग्जम्प्ट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्जम्प्ट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स में बस ध्यान रखना है सिंगल गुड कैरियज हुआ तो 1500 तक एग्जम्प्ट ना, 3000 है तो फुली टैक्सेबल. गुड्स फ्रेट चार्जेस सिंगल कंसाइनी 600, टोटल फ्रेट 60,000 आया है लेकिन हर कंसाइनी से चार्ज कितना किया गया 600, तो ये एग्जम्प्ट होगा. टोटल कितना है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हर आदमी से कितना लिया वो देखना है, तो ये भी एग्जम्प्ट होगा. तो बस एक 3000 टैक्सेबल है, बाकी सारा एग्जम्प्ट. लीजिए, जीटीए हमारा हो गया खत्म. क्या सबको क्लियर? ठीक है सर. सर अब हम बस ये दो पढ़ेंगे. हाँ जी, तो अब एंट्री नंबर 21A और 21B को जरा ध्यान से समझना है आपने. देखिए एंट्री नंबर 21A में हमने पढ़ना है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए, 21B में भी आपने पढ़ना है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए. दोनों में सर्विसेज बाय जीटीए है, 21B क्या था, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए. अब ध्यान रखना आपने कि अगर कोई जीटीए सर्विसेज देता पाया गया किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड सीटीपीज. सर अब सीटीपी अनरजिस्टर्ड कब होता है, क्योंकि सीटीपी तो आपने पढ़ाया था सेक्शन 24 मैंडेटरी होता है, बिल्कुल. तो फिर सीटीपी अगर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में आता है तो फिर अनरजिस्टर्ड कौन है? तो अगर आपको याद हो तो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था वो सीटीपीज जो हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई करते हैं, वो याद रखना उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता सेक्शन 24 में. हाँ सर, उनकी बात हो रही है. अदर देन फॉलोइंग, अब ये जो कैटेगरी है ना, ये छह नाम आपको याद करने हैं. इनके लिए लॉ कहता है कि इवन इफ दीज आर अनरजिस्टर्ड तो भी जीएसटी चार्ज होगा. और वो कौन कौन है? एक फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट, सोसाइटी या फिर जो भी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी, ठीक है ना, सोसाइटी रजिस्टर्ड या कोऑपरेटिव सोसाइटी. देन इज योर पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर्ड सीटीपीज. इनको अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो याद रखना उस पर जीएसटी लगेगा. ठीक है सर. सर आपने ये बोला कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर जीटीए कोई सर्विसेज देता है या किसी भी अनरजिस्टर्ड सीटीपी को सर्विसेज देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है. अदर देन अगर वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अगर फैक्ट्री हुआ तो जीएसटी लगेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ तो भी लगेगा, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए एस्टैब्लिश होनी चाहिए तो भी लगेगा, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट तो भी लगेगा, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो भी लगेगा इंक्लूडिंग एओपी, और लास्ट में सीटीपीस जो कि रजिस्टर्ड है उन पर भी जीएसटी लगता है. ठीक है जी. तो एंट्री नंबर 21A हमारा हो गया फिनिश. अब हमारे एंट्री नंबर 21B पे. सर आपको याद होगा हम लोगों ने टीडीएस पढ़ा था, तो टीडीएस के अंदर इफ यू रिमेंबर तो हमने कुछ नाम नोटिफाई करे थे जो टीडीएस डिडक्टर्स होते हैं. अब 21B कहते हैं कि अगर जीटीए वाला उन लोगों को सर्विसेज दे रहा था जो रजिस्टर्ड थे बिकॉज ऑफ टीडीएस प्रोविजंस, नॉट बिकॉज दे वर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ जीएसटी, जस्ट बिकॉज ऑफ टीडीएस प्रोविजन उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था, क्या उनको अनरजिस्टर्ड ट्रीट करते हुए क्या उनको भी अगर आप सर्विसेज देंगे तो उस पर जीएसटी नहीं चार्ज होगा? ठीक है सर, समझ गए सर. आप ये कह रहे हो कि इनका रजिस्ट्रेशन इनकी वजह से नहीं हुआ, इनका रजिस्ट्रेशन एक्चुअली में किसकी वजह से हुआ? टीडीएस के प्रोविजन की वजह से हुआ, तो इसीलिए लॉ ने कहा ओके फाइन, फॉर दिस वी विल ट्रीट देम एज अनरजिस्टर्ड एंड 21A का बेनिफिट हम इन तीनों को भी दे देंगे जो टीडीएस डिडक्टर की वजह से रजिस्ट्रेशन में आए थे. ठीक है सर, अदरवाइज उनका रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं था. ठीक है सर, हमें समझ आ गया सर. और ये वो तीन कौन थे याद करो, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज या डिपार्टमेंट या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी. ठीक है सर, समझ आ गया सर. तो अगर आपको समझ आ गया तो जीटीए हमारा खत्म हो गया. अब मैं यहाँ पर चार्ट कंप्लीट कर देता हूँ, आइए देखते हैं. देखो रेलवे टैक्सेबल होता है, बिल्कुल टैक्सेबल होता है सर. ठीक है, सप्लाई अगर वो गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो वो टैक्सेबल है. एक्सेप्शंस है और उसके लिए हमें 20 नंबर का लिस्ट पढ़ना है. वेसल टैक्सेबल है, एक्सेप्शंस है, उसके लिए हमें 20 एंट्री नंबर पढ़नी है. जीटीए में हमें 21, 21A, 21B इन तीनों के अंदर हमें एग्जम्पशंस चेक करनी है, अदरवाइज क्या जीटीए की सर्विसेज भी टैक्सेबल होती है.
ठीक है सर, मैं जीटीए पे थोड़ा सा आपके साथ और करना चाहूंगा। अच्छा, इसमें कोई छूट नहीं है तो ये टैक्सेबल है। ठीक है सर, पूरा चार्ट हमें समझ आ गया। सर एक बार ही जीटीए का थोड़ा सा हम डिटेल में पकड़ लेते हैं, इधर देखेंगे इधर सारे। जीटीए को आप क्या करो, आपसे सबसे पहले एंट्री नंबर 18 ने साफ बोला कि जीटीए की सर्विसेज टैक्सेबल होंगी। वो अलग बात है कि जीटीए की सर्विसेज 21, 21 ए और 21 बी की वजह से एग्जम्प्ट होंगी। यहां पर जो टीडीएस डिडक्टर जिनका रजिस्ट्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ टीडीएस डिडक्शन हुआ था, अगर आप उन्हें सप्लाई दे रहे हो तो आपको उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज करना। 21 ए में जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड सीटीपीज होंगे अदर देन सिक्स कैटेगरीज, उन पर भी भाड़े पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और 21 में स्पेसिफाइड गुड्स जितने भी थे और नॉन स्पेसिफाइड के केस में आपको याद रखना है, अगर वो सिंगल कंसाइनमेंट है अप टू 1500 अगर होगा तो भाड़े पे जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर वो सिंगल कंसाइनी है तो अप टू 750 पे भाड़े पे जीएसटी नहीं लगेगा। लो सर, ये जीटीए हो गया। ठीक है जी, अब इसका मैं कराऊंगा आपको आरसीएम। ठीक है सर, अब देखो आरसीएम क्या कहता है इसका, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए। अब आरसीएम कब लगता है पहले मैं समझा देता हूं। एक्चुअली ना जीटीए पे दो ऑप्शन होती है, पहला वो 6% रेट पे टैक्स पे करे, दूसरा वो 12% पे दे। अगर वो 6 ऑप्ट कर लेता है तो उसको अपना आईटीसी छोड़ना पड़ेगा और ये फॉरवर्ड चार्ज में ही आता है। लेकिन अगर वो 12 ऑप्ट करता है और आईटीसी भी लेता है तो फिर वहां पे आरसीएम लग जाता है। ठीक है ना, तो जीटीए पे आरसीएम कब लगेगा, जब वो 12 ऑप्ट करेगा विद आईटीसी तो उस पर आरसीएम लगेगा। अब आरसीएम कब लगेगा वो भी सुन लो, 7 कैटेगरीज है जिन पे आरसीएम लगता है। 7 कैटेगरीज पे आरसीएम लगता है, कौन कौन सी, फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड सीटीपी। 6 तो वही हो गए, एक है एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, आईजीएसटी एक्सेट्रा। ठीक है सर, मतलब ये लोग इवन दो अनरजिस्टर्ड होंगे तो भी लगेगा, और इसके अलावा जितने भी रजिस्टर्ड है उन पे भी लगेगा। सर व्हाट अबाउट अनरजिस्टर्ड, सर गलत बोला ना, अनरजिस्टर्ड में तो मैंने अभी बताया 21 ए और टीडीएस डिडक्टर वालों पे 21 बी, क्या वो मेगा एग्जम्पशन में है, तो जो चीज एग्जम्पशन में आ जाती है उसमें आरसीएम एफसीएम एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करता हूँ इसका समझ आ गया हमें आरसीएम कब लगेगा। सर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आरसीएम कब लगेगा, सर इसका ना आरसीएम लगेगा जब जब ये टैक्सेबल होगा इसका आरसीएम लगेगा, प्रोवाइडेड ये 12% में आएगा। बिल्कुल, अगर ये 6 ऑप्ट कर लेता है तो ये खुद ही देगा, 12 ऑप्ट करता है आईटीसी भी लेता है तो आरसीएम में आ जाएगा। ठीक है सर, और जब ये आरसीएम में आएगा तो ध्यान रखना आरसीएम में लाने के लिए ये सर्विसेज किसको दे रहा था, या तो वो 6 कैटेगरी, साथ में एक और ऐड कर दो, कौन सा, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी, ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से मेगा एग्जेम्पशन के साथ साथ हमारा जीटीए का आरसीएम भी हो गया, डन सर। चलो जी, अब हम छोटी छोटी 3-4 हमारी रह गई हैं और उसके बाद हमारा फिर हम इसको आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो होंगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर, अब देखो क्या है, एंट्री नंबर 22 ये है सर्विसेज बाय द वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। इसका मतलब अगर आपने हायरिंग करी है अपना कोई भी मोटर व्हीकल किसको, स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, प्रोवाइडेड उसकी कैपेसिटी 12 पैसेंजर से अधिक होनी चाहिए, नंबर एक, तो वो हायरिंग चार्ज पर जीएसटी नहीं लगेगा, नंबर टू, या फिर आपने किसी लोकल अथॉरिटी को दिया है, लेकिन लोकल अथॉरिटी को जो आपने व्हीकल दिया होगा वो कौन सा होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल होना चाहिए विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। ठीक है सर, या तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को या फिर लोकल अथॉरिटी को, लेकिन लोकल अथॉरिटी में क्या ध्यान रखना है, कौन सा व्हीकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल होना चाहिए जो कि मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स,
या फिर आपने हायरिंग करा है किसी जीटीए को, ठीक है जी, या फिर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ टू एनी पर्सन, आपने हायरिंग पे दिया है किसी ऐसे व्यक्ति को जो प्रोवाइड करेगा सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, जैसे मैंने बस दे दी किसी पर्सन को और उसने उस बस से किसी स्कूल को सर्विसेज दिया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टीज, ठीक है जी, बाय द वे, और ये प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज बाय द वे ऑफ, ये कौन सा स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जो या तो प्री स्कूल या अप टू हायर सेकेंडरी। तो याद रखना इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अरुण सेतिया क्लासेस नहीं आता है, ठीक है जी। तो अब मैं फिर रिपीट करूंगा, ये थी हायरिंग सर्विसेज, इस सर्विस का नाम क्या था, हायरिंग। तो हायरिंग सर्विसेज में आपने क्या ध्यान रखना है, या तो आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या फिर लोकल अथॉरिटी, बट लोकल अथॉरिटी में आपने याद रखना इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होना चाहिए, कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर होने चाहिए। तीसरा, आपने जीटीए को ही हायर पे दे दिया तो उसके ऊपर भी आप जीएसटी नहीं लगाएंगे, या फिर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जिसने आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज दिया है किसी स्कूल को, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो या तो सर्विसेज दे रहा है प्री स्कूल या अप टू सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है जी, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर फैकल्टीज एंड स्टाफ मेंबर्स, ठीक है सर। तो हायरिंग सर्विसेज भी हमारी खत्म। अब ये बड़ी लोकल लोकल सी है, ये आपको एक एक सेकेंड में समझ आएंगी। सर्विसेज बाय द वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। मान लो आपने कई बार देखा होगा कि टोल पे करके आप एक रोड पार करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है सर। सर्विसेज बाय द वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एनुइटी। एनुइटी क्या होता है सर, कई बार क्या होता है कि हम लोग ना एक फिक्स अमाउंट पे कर देते हैं और उसके बाद हम एक महीने तक या एक साल तक उसके अंदर बिना टोल दिए क्रॉस करते हैं, तो उस एनुइटी वाले अमाउंट पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आप रोज दे रहे हो तो भी नहीं लगेगा, ठीक है सर। ठीक है जी, तो ये भी हमारा खत्म। 24 और 54, ये दो आज की लास्ट है, और उसके बाद मैं 3-4 चार्ट बनाऊंगा और हम आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर्विसेज बाय द वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। सर्विसेज बाय द वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउस, किसका, राइस का, ठीक है सर। और यहाँ लिखा है लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एंट्री नंबर 54। अब कई बार मुझसे बच्चा पूछता है सर एक बात आओ, राइस का 24 में दिया हुआ है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का दिया हुआ है 54 में, क्या राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता? सर बिल्कुल भी नहीं होता। सर अगर पेपर में आ जाता है पैडी, पैडी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस पैडी से बनता है, तो राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्चुअली। लेकिन जो बेनिफिट उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को दिए हैं ना, वो सारे बेनिफिट उन्होंने राइस को भी दिए हैं अलग अलग एंट्रीज के अंदर। मैं अभी आपको प्रूफ भी करूंगा, देखो कैसे। जब हम एंट्री नंबर 20 पढ़ रहे थे, सारे देखेंगे जरा, यहां पे हमने लिखा था एंट्री नंबर 20 के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन, भले ही रेल से, वेसल से या जीटीए से, क्या ये एग्जम्प्ट होता है? बिल्कुल। लेकिन अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस नहीं आया था, तो देखो लास्ट में इन्होंने मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फूड ग्रेन में क्या इंक्लूड कर दिया, फ्लोर, पल्सेस और राइस, ठीक है सर। सर इसका मतलब हमें समझ आ गया, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन, क्या ये सारी चीजें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के साथ साथ क्या राइस के लिए भी एग्जाम्पल है? बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है सर, ध्यान रहेगा ये। तो लीजिए 24 और 54 भी खत्म। बोलो मेरे बच्चे, अब आप देखो यहां पे हम ऐड करेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखो हमने 21 ए भी पढ़ लिया, 21 बी पढ़ लिया, 22 पढ़ लिया, 23 पढ़ लिया, 23 ए भी पढ़ा दिया मैंने, 24 भी पढ़ा दिया आपको और 54 भी पढ़ा दिया, ठीक है ना, और आरसीएम के अंदर मैंने एंट्री नंबर 1 जीटीए की भी पढ़ा दी। तो आप देखो कितनी कवर हो गई, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है जी, 30 हमने कवर कर ली मेरा एग्जम्पशन।
कहो तो और करा दूं, करा दूं, बोलो 10 मिनट और, या इसका चार्ट बना देता हूं आपको मैं, आप एक काम करो चार्ट बनाओ, ठीक है, और नहीं करते, चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना, बनाओ जरा, देखो अब आपने आज घर पे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। इस क्लास के खत्म होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, एक इसका चार्ट बनेगा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, एक चार्ट इसका बनाना है आपने, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एक चार्ट आप ये बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एक चार्ट आप ये बनाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा पब्लिक कन्वीनियंस सर्विसेज पे भी मैंने करा दिया आपको, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आपको हायरिंग सर्विसेज भी बता दिया मैंने, इसके अलावा मैंने आपको एक्सेस टू रोड और ब्रिज बता दिया ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, राइस का भी एग्जाम्प्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है जी। तो इसके अलावा हमने रिवर्स चार्ज में 1, 5 और 5A तीन एंट्रीज हमने RCM में पढ़ ली, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये हमें समझ आ गया वैसे सारा। ये वाला चार्ट मैंने पहले ही बना दिया था आपको, पब्लिक कन्वीनियंस में सिर्फ दो ही पढ़नी थी आपने, एक लाइब्रेरीज का और एक मैंने आपको कहा था कि रिलेटेड टू योर वॉशरूम्स वगैरह का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ये सब पढ़ लिया हमने, हायरिंग भी क्लियर है, एक्सेस भी क्लियर है, ठीक है सर। तो ये आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चार्ट्स, ठीक है जी, ये आपने बनाने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये एक बार ही मैंने वैसे बना ही दिए थे, रिवर्स करके आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से कहाँ कहाँ हमने बनाए हैं, ठीक है। तो एक GTA का मैं आपके साथ दोबारा बनाना चाहता हूँ, प्लीज़, मेरे को लगता है कि GTA में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं, ठीक है ना। हालांकि मैंने बना दिया, आप बेशक दोबारा से उसी को ही समझ लो, GTA पे ध्यान दो बस, 18 ध्यान दो, उसने कहा टैक्सेबल है, 21 में स्पेसिफाइड गुड्स मैंने कहा और अदर देन दैट इस तरह से आया, 21A हमने पढ़ा अनरजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड CTA, बट उसमें नीचे 6 कैटेगरीज को छोड़कर क्या ये भी एग्जम्प्ट है, और TDS डिडक्टर जो खाली TDS डिडक्ट करने की वजह से रजिस्ट्रेशन में आए उनको भी इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया, और उसके बाद हमने RCM भी समझा, RCM में तभी आएंगे ये जब ये 12% में जाएगा तो RCM में आएगा, प्रोवाइडेड ये 7 कैटेगरीज को सर्विसेज देता पाया गया तो, ठीक है ना। और जब कोई चीज़ एग्जाम होती है तो वहाँ पर पेमेंट ही नहीं है तो वहाँ पे RCM और FCM का कोई लॉजिक ही नहीं होता, ठीक है सर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास मेगा एग्जामिशन बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तब तक स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई वॉन्ट कि इसको अच्छे से थॉरली 2-3 बार देखिएगा, तब जाके आपको ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आएगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।